दिखे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आपने छोड़ कर देखें, तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। सपना सच होते हुए तो हर किसी ने देखा, मगर उससे पहले उसके टूटने के दर्द को सिर्फ एक ही शख्स महसूस कर सकता है, और इसी दर्द को 2017 में बड़े पर्दे पर हर किसी ने देखा था। 2017 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स को देखते समय हर कोई ऐसा डूब गया। सचिन की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लोगों ने उतना ही पसंद किया। 2017 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स को देखते समय हर कोई डूब गया था। सचिन की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लोगों ने उतना ही पसंद किया जितना देश में उन्हें प्यार करते हैं। इस फिल्म में सचिन ने अपनी जिंदगी से जुड़े उन किस्सों का भी खुलासा किया जिसके बारे में लोगों ने कभी नहीं सुना। फिल्म हिंदी, मराठी और इंग्लिश में बनी थी। वही तमिल, तेलुगु में डब वर्जन भी आया था। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया था। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में जन्मे सचिन ने 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। 24 साल के लंबे करियर में उन्होंने 200 टेस्ट, 463 वनडे और एक T20 मैच खेला। उनके नाम 100 इंटरनेशनल शतक का रिकॉर्ड है, साथ ही कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसका टूटना असंभव सा नजर आता है। देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का उनका सपना 2011 में पूरा हुआ, मगर उससे पहले उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का दर्द भी झेला। 2007 वर्ल्ड कप के पहले दौर से बाहर होने के दर्द को बर्दाश्त किया 2007 वर्ल्ड कप के पहले दौर से बाहर होने के दर्द को बर्दाश्त किया अपनी आंखों के साथ 2000 में टीम को बिखरते हुए देखा। साथ ही कुछ ऐसा हुआ होगा जो इस दिग्गज ने अपनी आंखों से ना देखा हो। सचिन पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री में दो प्लॉट हैं। पहला प्लॉट सचिन के बचपन से लेकर 1999 तक उनके करियर तक है, जबकि दूसरा हिस्सा उनके क्रिकेट के भगवान बनने से लेकर पहले उनके पहले वर्ल्ड कप जीत तक है। फिल्म के ज्यादातर सीन सचिन की निजी जिंदगी के वीडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू और क्रिकेट मैच के हैं। सचिन तेंदुलकर को कितना पसंद किया जाता है, इसकी मिसाल मुझे फिल्म देखते समय मिली। एक सचिन फैन जो कि मेरे पास बैठा हुआ था, ने अपने 8-9 वर्षीय बेटे को छिड़क दिया जो कि विराट कोहली का फैन था। विराट को स्क्रीन पर आते ही वह झूम उठता है और विराट की तारीफ करने लगता है। तब उसका पिता उसे जोर से कहता है, ये सब तो सचिन के आगे पानी भरते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट का भगवान माना जाता है। इस गार्ड ऑफ क्रिकेट ने अपने करोड़ों भक्तों को आनंद के ऐसे कई क्षण दिए जिनकी जुगाली कर क्रिकेट प्रेमी तब तक आनंद लेते रहे। सचिन तेंदुलकर ने अपने करिश्माई खेल से क्रिकेट को भारत में बेहद लोकप्रिय बनाया, और जिस तरह से इस खेल में पैसा बरस रहा है उसमें सचिन के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सचिन तेंदुलकर का अंतर्राष्ट्रीय करियर 24 वर्षों का रहा। भारत की ओर से 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में प्रतिनिधित्व करते हुए 34,357 रन बनाए। इतना लंबा करियर बचपन से आज तक की बात है। मैदान के अंदर और बाहर की गतिविधियों को 2.5 घंटों की एक फिल्म में दर्शाना किसी भी फिल्मकार के लिए टेढ़ी खीर है। निर्देशक जेम्स आर्कसन ने इस चुनौती को स्वीकारा और वह सफल भी रहे। सचिन ए बिलियन ड्रीम्स में सचिन के बचपन से लेकर आज तक की प्रमुख घटनाओं को पिरोया गया है। इसमें एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की तरह ड्रामा नहीं है। इसमें किसी और कलाकार ने धोनी का रोल अदा किया था। यह एक डॉक्यू फीचर है जिसमें सचिन के बचपन को एक किरदार के जरिए दिखाया गया है, लेकिन बाकी की बातें सचिन सुनाते चलते हैं। सचिन ए बिलियन ड्रीम्स की शुरुआत सचिन के बचपन से होती है कि वह किस तरह से यह नटखट बच्चा क्रिकेट के प्रति गंभीर हो गया, किस तरह से सचिन के गुरु रमाकांत आचरेकर ने कितनी कड़ी मेहनत सचिन से कराई। इसके बाद सचिन का पहला टेस्ट, उनकी नाक पर गेंद का लगना, अब्दुल करियर को छक्के जमाना, 1996 का विश्व कप, सचिन के पिता का निधन और उसके बाद फिर से उनका विश्व कप क्रिकेट के लिए इंग्लैंड लौटना, सचिन का कप्तान बनना, 2003 का विश्व कप क्रिकेट का फाइनल, क्रिकेट पर फिक्सिंग का साया, 2001 में ऑस्ट्रेलिया से हुआ कोलकाता टेस्ट मैच, सचिन बनाम वार्न सीरीज चैपल का प्रशिक्षण बनना और फिर 2011 का विश्व कप जीतना, जैसे कई यादगार लम्हे आंखों के सामने से गुजरते हैं जिन्हें देख रहे सिनेमा हॉल में बैठे क्रिकेट प्रेमी के अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। सचिन की यादगार परिस्थितियों की भी झलक इनमें मिलती है।
सचिन की इन घटनाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा यह भी जानने को मिलता है। मसलन फिक्सिंग पर उस समय चुप रहने का कारण बताते हुए सचिन ने कहा कि उनके पास बोलने को कुछ नहीं था और न ही सबूत थे। कुछ नई बातें भी पता चलती हैं, सचिन और अंजलि की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। जब सचिन तनाव में रहते हैं तो बप्पी लहरी द्वारा संगीतबद्ध कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं, कौन सा मैच सचिन अपने करियर का सबसे मुश्किल मैच मानते हैं, शेन वार्न ने जब सचिन को पहली बार आउट किया था तो उन्होंने क्या किया था, सचिन को अपने करियर के पहले मैच में नाक पर बॉल लगी थी, तो जावेद मियादाद ने क्या कहा था, विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल में सचिन जब आउट हुए थे तो क्या महसूस कर रहे थे, सचिन कप्तान क्यों नहीं बनना चाहते थे, विराट कोहली को कब महसूस हुआ कि जब वे बैटिंग के लिए मैदान में जा रहे थे तो ऐसा लगा मानो शमशान में जा रहे हों, किस मैच के बाद कई खिलाड़ी बाथरूम में जाकर रोए थे। इन बातों को विराट कोहली, सहवाग, पेंटिंग, वार्न, सुहाग, युवराज, लारा, गावस्कर जैसे खिलाड़ियों ने भी बताया है। ड्रेसिंग रूम के फुटेज सहित कई ऐसे फुटेज भी हैं जो संभवतः पहली बार सामने आए हैं, जैसे विश्व कप क्रिकेट 2011 का सेमीफाइनल जीतने के बाद कोच कैरी कंसर्ट ने ड्रेसिंग रूम में क्या कहा था, सचिन के निजी संग्रह के भी फुटेज हैं जिनमें उनके परिवार जीवन की झलक मिलती है और ये फिल्म की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन की फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स पर्दे पर आ चुकी थी और लोगों ने इसे खूब प्यार दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही थी। इस फिल्म में सचिन ने खुद काम किया है और फिल्म को बनाने में कई साल लगे हैं। फिल्म में सचिन के करियर से लेकर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ था कि आखिर इस फिल्म के लिए सचिन ने कितने पैसे चार्ज किए थे। सचिन की फिल्म जब पर्दे पर आई तो उस दिन किसी और फिल्म की रिलीज को नहीं रखा गया था, साथ ही पर्दे पर जो फिल्में थी वो पुराने हफ्तों की रिलीज थी। सचिन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी कर रही थी, लेकिन इस फिल्म के लिए सचिन को कितने पैसे मिले इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए सचिन ने अच्छे पैसे लिए थे। प्रोडक्शन टीम से पता चला कि इस फिल्म के लिए उन्हें 40 करोड़ के करीब मिले हैं। उन्होंने कहा उन्हें 40 करोड़ तो नहीं लेकिन 35 से 38 करोड़ के करीब इस फिल्म के लिए मिले हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बजट की बात करें तो इसका एवरेज बजट एक हिंदी फीचर फिल्म के बराबर है। सचिन की इस बायोपिक में डॉक्यूमेंट्री ड्रामा महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने पहले दिन ही 21 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म 2016 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर आ रही थी। हालांकि सचिन यहां पर धोनी से बेहद पीछे रहे। सचिन की फिल्म ने पहले दिन 8 करोड़ की कमाई की लेकिन फिल्म ने बाद में रफ्तार पकड़ी। फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स में मास्टर ब्लॉकबस्टर के बचपन से लेकर उनके मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किए गए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट तक की पूरी कहानी को बखूबी दर्शाया गया है। इस फिल्म में कोई भी एक्टर मुख्य भूमिका नहीं निभा रहा, यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें आपको केवल सचिन ही सचिन नजर आएंगे। फिल्म को भारत में 2400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया और विदेशों में इसे 400 स्क्रीन मिली थी, साथ ही विदेशों में भी सचिन की फिल्म को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। बता दें कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी महेंद्र सिंह धोनी पर बनी बायोपिक थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत धोनी की मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म के लिए धोनी ने करीब 80 करोड़ रुपए लिए थे। सचिन तेंदुलकर का नाम आते ही सामने मास्टर ब्लास्टर की तस्वीर आ जाती है जो गेंदबाजों की जमकर धुनाई करता है, लेकिन उसे सचिन के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान ले जाती है ये सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। कैसे बनी है फिल्म आइए जानते हैं। यह कहानी महाराष्ट्र के मराठी उपन्यासकार रमेश तेंदुलकर के घर जन्मे सचिन यानी सचिन तेंदुलकर की है, जिनका जन्म दादर के एक नर्सिंग होम में होता है जहां से मास्टर की लाइफ जर्नी की शुरुआत होती है। बचपन में शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करना, गुरु आचरेकर के साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना और फिर बचपन में सपनों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना, यही नहीं पहला वनडे क्रिकेट में आलोचना, पहला शतक, कंट्रोवर्सी जैसे सभी पहलुओं के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी बच्चों का आना और फिर क्रिकेट को अलविदा कहना, ये सभी बातें फिल्म में दिखाई गई है। अगर बात करें इसके डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है और साथ ही अलग अलग सीन को दर्शाने के लिए नाट्य रूपांतरण के साथ साथ रियल लोगों को बड़े ही सटीक अंदाज में फिट किया गया है जो आपको बांधे रखता है। फिल्म की कहानी तो आपको विकिपीडिया में 60% मिल ही जाती है, लेकिन स्क्रीन प्ले के साथ बताने का ढंग भी दिलचस्प है। सचिन को अपने क्रिकेट के मैदान या अलग अलग भाषाओं में देखा होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है इसे बखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। फिल्म में बहुत सारे अनदेखे वीडियोस भी देखने को मिलते हैं।
वैसे तो नाट्य रूपांतरण के किरदारों ने बढ़िया काम किया है और असल जिंदगी के लोग यानी वीरेंद्र सहवाग, धोनी, रवि शास्त्री, सचिन, अंजलि, सारा और अर्जुन का पिक्चराइजेशन भी काफी दिलचस्प है। अमिताभ बच्चन, हर्षा भोगले, वीरेंद्र सहवाग का भी अच्छा अपीयरेंस है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है और समय समय पर बहुत ही मोटिवेट करता नजर आता है। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और मास्टर ब्लास्टर सचिन के जीवन की कहानी को जानने की इच्छा रखते हैं तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देखें। क्रिकेट के दीवानों के लिए शुक्रवार काफी खास दिन था क्योंकि क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर के जीवन से जुड़े कई पहलुओं से उस दिन पर्दा उठ चुका था। रिलीज हुई फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बनने की कहानी है, लेकिन आपको बता दें कि यह फिल्म भाग मिल्खा भाग या MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी पिक्चर नहीं है, बल्कि ये एक डाक्यू ड्रामा है। यानी इस फिल्म के कुछ हिस्से आपकी असल फुटेज उपलब्ध नहीं थी, यानी इस फिल्म के कुछ हिस्से जिनकी असल फुटेज उपलब्ध नहीं थी, सिर्फ उन्हीं दृश्यों का नाट्य रूपांतरण किया गया है। जैसे सचिन का बचपन दिखाने के लिए उनके अलावा पूरी फिल्म इंटरव्यूज, घर घर बनाए गए वीडियो, तस्वीरों और क्रिकेट मैचों की फुटेज के सहारे आगे बढ़ती है, लेकिन इसके बाद भी इसमें एक बेहतरीन फीचर फिल्म वाली अपील है और एक अच्छी फिल्म के गुण है। भले ही आप क्रिकेट या सचिन के बहुत बड़े प्रशंसक न हो, इसके बावजूद पूरी फिल्म में आपकी उत्सुकता बनी रहेगी। इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसा है जो न सिर्फ एक क्रिकेट फैन बल्कि एक नॉन क्रिकेट फैन भी जानना चाहेगा। जैसे सचिन जब जल्दी आउट हुए तो उन्होंने क्या सोचा, पाकिस्तानी टीम ने उन्हें पहली बार देखा तो क्या बोला, शेन वॉर्न की गेंदों का सामना करने के लिए उन्होंने क्या तैयारी की, या फिर उनकी पत्नी अंजलि और उनके बीच किस तरह हुई प्यार की शुरुआत। इस फिल्म को संगीत म्यूजिक मास्टर यार रहमान ने दिया है। इस फिल्म की खामियों की बात करें तो इसमें सिर्फ दो जगह इसके स्क्रीन प्ले में छोटी छोटी खामियां लगी, क्योंकि दो जगह सचिन की कहानी धारा प्रवाह चलते चलते झटके के साथ कहीं और चली जाती है। एक जगह जहां सचिन अपनी और टीम की बल्लेबाजी सुधारने की बात करते हैं और दूसरी जगह उनके कप्तान बनने पर टीम में जब असंतुष्ट की बात होती है। इसके अलावा बड़ी खूबसूरती से यह फिल्म आगे बढ़ती है। या भले ही फीचर फिल्म न हो, लेकिन यह आपका मनोरंजन करती है, आपकी आंखें नम भी करती है और आपको तालियां बजाने पर मजबूर भी करती है। इस फिल्म की एक और खास बात यह है कि यह फिल्म सचिन के जीवन के साथ साथ हिंदुस्तान के बदलते मानसिक ढांचों पर भी रोशनी डालती है और बताती है कि निराशजनक माहौल में किस तरह सचिन का एक ताजा हवा का झोंका बनकर आए। ये फिल्म सचिन और फिल्मकार का बड़ा ही स्मार्ट कदम है और बतौर समीक्षक मैं भी इसकी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि बायोपिक के चलन के बाद भी फिल्मकार और सचिन ने डाकू ड्रामा बनाने का निर्णय लिया। शायद उन्हें इसका अंदाजा था कि फीचर फिल्म के चलते शायद उन्हें थोड़ा बहुत ड्रामा भी फिल्म में डालना पड़ता, इसकी वजह से विषय की सत्यता को खतरा हो सकता था, जैसा कि अक्सर बायोपिक में होता है। बस यही कहेंगे, आप क्रिकेट फैन हैं या नहीं, पर आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हालांकि इस फिल्म को रेटिंग के पैमाने पर मुझे नहीं तोलना चाहिए, पर फिर भी आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस स्तर की फिल्म है, मैं इसे देता हूँ 4 स्टार अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। दर्शकों को काफी पसंद आ रही थी, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने पूरी कहानी को झूठा करार दे दिया। फिल्म में विलन की भूमिका में दिखाए गए भारतीय टीम के पूर्व कोच का मानना है कि कहानी गलत है। फिल्म में चैपल को एकमात्र विलन दिखाया गया है। फर्स्ट पोस्ट हिंदी में छपी खबर के मुताबिक चैपल ने कहा, इतने सारे झूठ के बाद मैं खुद का बचाव नहीं कर सकता। BCCI के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर सच को बेहतर जानते हैं और आपको भी सच जानने के लिए उन्हीं से पूछना चाहिए। बता दें कि फिल्म में दिखाया गया है कि ग्रेग चैपल की देखरेख में भारतीय टीम के सभी सीनियर खिलाड़ी अपनी जगह को लेकर चिंतित रहने लगे थे। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि चैपल ने साल 2017 विश्व कप से ठीक पहले बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया था, जिसकी वजह से टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई। सचिन ने कहा, हम सभी साल 2007 के विश्व कप को लेकर काफी उत्साहित थे, हर खिलाड़ी उसके लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा था, लेकिन विश्व कप से ठीक पहले सभी का बल्लेबाजी क्रम बदल दिया गया और जिनका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ा। 2005 से 2007 तक टीम इंडिया के कोच रहे चैपल का पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली से काफी विवाद हो गया था, जिसके बाद गांगुली को कप्तानी और टीम से बाहर कर दिया गया था। भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर बनी बायोपिक सचिन ए बिलियन ड्रीम्स दुनिया भर में 26 मई को रिलीज हुई थी। ब्रिटिश फिल्म निर्माता जेम्स इरस्किन को फिल्म को बनाने में 5 साल लगे। पहली बार 2012 में इस फिल्म के बारे में प्रोड्यूसर रवि भग चंदका ने मास्टर ब्लास्टर से जब इस आइडिया को लेकर पहली बार मुलाकात की तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, कुछ भी हो मैं एक्टिंग नहीं करूंगा।
फिल्म के लिए भी राजामंदी देने में सचिन को कुछ समय लगा था। बकौल सचिन, जब पहली बार रवि उनके पास आए और बोले कि अन्य खेल हस्तियों पर भी बायोपिक बनी है, इसलिए मुझ पर एक होनी चाहिए, मुझे हाँ करने में थोड़ा समय लगा। मेरे मामले में कुछ मनोरथ संभव नहीं है, जो कुछ है सबके सामने है। मेरी कहानी सबको पता है, अगर मैंने 55 रन बनाए हैं तो लोग जानते हैं, कोई भी इसे बदल कर 155 नहीं कर सकता। जब रवि ने बताया कि सब कुछ अचल जिंदगी से ही लिया जाएगा तो मैं भी आश्वस्त हो गया कि हाँ फिर ठीक है, रिटेक नहीं होंगे। अपने प्रशंसकों के बीच मास्टर ब्लास्टर के रूप में विख्यात सचिन अपने बारे में कुछ बोलने से हमेशा कुछ कहने से बचते रहे हैं, लेकिन यह फिल्म भारतीय क्रिकेट के कुछ गौरवशाली छड़ों को फिर से जीवंत करने में मदद कर सकती है। खुद सचिन कहते हैं, आज भी मैं अपने बारे में कुछ कहने से हिचकिचाता हूँ, इसलिए मैंने अपनी बात कहने के लिए दूसरों की मदद ली। वर्ष 2000 में मैच फिक्सिंग प्रकरण हुआ था, जिसने भारतीय क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया था। इसके बारे में सचिन के मुंह से कुछ नहीं निकला, लेकिन इस बायोपिक के ट्रेलर से लगता है कि इस प्रकरण के बारे में सचिन प्रशंसकों से कुछ चर्चा करते नजर आ सकते हैं। भारत में खेलों पर आधारित फिल्में गिनती की ही बनी हैं। खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में फिल्मों में भी खेल दिखाई देने लगा है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और इस समय यह पिछड़ा हुआ खेल माना जाता है। इस खेल पर फिल्म बनाकर निर्देशक सिमित अमीन ने एक साहसिक काम किया है। चक दे इंडिया कबीर खान की कहानी है, जो कभी भारतीय टीम का श्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड रह चुका है। पाकिस्तान के विरुद्ध एक फाइनल मैच में वह अंतिम छड़ों में पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल बनाने में चूक गया और भारत मैच हार गया। मुस्लिम होने के कारण उसकी देशभक्ति पर प्रेस चिन्ह लगा दिया गया, उसे गद्दार कहा गया। उस मैच के बाद खिलाड़ी के रूप में उसका करियर खत्म हो गया। 7 वर्ष बाद वह महिला हॉकी टीम का प्रशिक्षक बनता है। इस टीम को विश्व चैंपियन बनाकर वह अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोना चाहता है, लेकिन उसकी राह आसान नहीं है। इन लड़कियों का ध्यान खेल पर कम था, वह केवल नाम के लिए खेलती थी। अलग प्रदेशों से आई इन लड़कियों में एकता नहीं थी, सीनियर लड़कियों की दादागिरी थी। कबीर इन लड़कियों के दिमाग में यह बात डालता है कि वह भारतीय पहले हैं, फिर वह महाराष्ट्र या पंजाब की हैं। फिर शुरू होता है प्रशिक्षण का दौर। हर तरफ से बाधाएं आती हैं और कबीर इन बाधाओं को पार कर अंत में अपनी टीम को विजेता बनाता है। कहानी बड़ी सरल है, लेकिन जयदीप साहनी की पटकथा इतनी उम्दा है कि पहली प्रेस से ही दर्शक फिल्म से जुड़ जाते हैं। छोटे दृश्य में इतने उम्दे तरीके से लिखे गए हैं और फिल्माए गए हैं कि कई दृश्य सीधे दिल को छू लेते हैं। शाहरुख खान अपनी टीम का परिचय प्राप्त करते हैं तो जो लड़की अपने नाम के साथ अपने प्रदेश का नाम जोड़ती है उसे वे बाहर कर देते हैं और अपने नाम के साथ भारत का नाम जोड़ने वाली लड़की को शाबाशी देते हैं। ये उन लोगों पर करारी चोट है जो प्रतिभा खोज कार्यक्रम में प्रतिभा चुनते समय अपने प्रदेश के पहले होते हैं और भारतीय बाद में। ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम के बाहर खड़े शाहरुख एक विदेशी कर्मचारी को भारत का तिरंगा लहराते हुए देखते हैं। एक खिलाड़ी उनसे आकर पूछती है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो शाहरुख का जवाब होता है कि मैं एक गोरे को तिरंगा फहराते हुए पहली बार देख रहा हूँ। भारत के लिए खेले एक श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति क्या होती है, ये निर्देशक ने शाहरुख खान को एक खटारा स्कूटर पर बैठाकर बिना संवाद के जरिए बयां कर दी। महिला टीम होने के कारण इन्हें पुरुषों की छींटाकछी का शिकार भी होना पड़ता है। हॉकी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सोच रहती है कि चकला बेलन चलाने वाली लड़कियां हॉकी क्या खेलेंगी, लेकिन निर्देशक ने कई दृश्यों के जरिए साबित किया है कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। शहरों के एक जगह संवाद बोलते हैं, जो महिला पुरुष को पैदा कर सकती है वह कुछ भी कर सकती है। सिमित का निर्देशन बेहद शानदार है, एक चुस्त पटकथा को उन्होंने बाखूबी फिल्माया है। वह हॉकी के जरिए निर्देशक में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जगाने में कामयाब रहे। एक सीन में मैच के पूर्व जब जनगण मन की धुन बजती है तो थिएटर में मौजूद दर्शक सम्मान में खड़े हो जाते हैं। फिल्म में हर मैच के दौरान सिनेमा घर में उपस्थित दर्शक भारतीय टीम की इस तरह उत्साह बढ़ाते हैं जिससे स्टेडियम में बैठकर वे सचमुच का मैच देख रहे हों। प्रत्येक दर्शक टीम से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है और यही पर सिमित की कामयाबी दिखाई देती है। शाहरुख खान ने एक कलंकित खिलाड़ी और कठोर प्रशिक्षक की भूमिका को बाखूबी निभाया है। वह शाहरुख खान नहीं लगकर कबीर खान लगे हैं। कई दृश्यों में उन्होंने अपने भाव मात्र आंख से व्यक्त किए हैं। कलंक धोनी की उनकी बेचैनी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। उनकी टीम में शामिल 16 लड़कियां भी शाहरुख को टक्कर देने के मामले में कम नहीं रही।
उनकी आपसी नोकझोंक और हॉकी वाले दृश्य उम्दा हैं। पंजाब और हरियाणा से आई लड़कियों का अभिनय शानदार है। फिल्म में गाने हैं लेकिन वे पार्श्व में बजते रहते हैं। इन गीतों का उपयोग बिल्कुल सही स्थान पर किया गया है। जयदीप सहनी के संवाद सराहनीय है। कुल मिलाकर चक दे इंडिया एक बार जरूर देखी जानी चाहिए। जयदीप सहनी को इस कहानी का आइडिया न्यूज़पेपर की एक छोटी सी स्टोरी से आया था। वे अखबार पढ़ रहे थे और इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम के 2012 के राष्ट्रमंडल खेलों में जीतने की बड़ी खबर को एक छोटी सी जगह में लगाया गया था जो अखबार के पीछे के पन्नों में कहीं दबी हुई थी। उन्हें हैरानी हुई कि कॉमनवेल्थ गेम्स जितनी बड़ी जीत को फ्रंट पेज पर जगह क्यों नहीं दी गई। यही 2004 में एशिया कप में हुआ जिसमें भारतीय महिला टीम जीती थी। यही जीते अगर पुरुष टीमों ने हासिल की होती तो जरूर उन्हें पहले पेज पर लगाया जाता। इस गैर बराबरी को देखने के बाद चक दे इंडिया का जन्म हुआ। इस फिल्म के लिखे जाने की प्रक्रिया बंटी और बबली जो कि 2005 में आई थी की शूटिंग के दौरान हुई। तब फिल्म के राइटिंग सेशन खत्म हुए थे। यशराज फिल्म्स की रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन स्टारर इस फिल्म को भी जयदीप सहनी ने ही लिखा था। वह प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के साथ बैठे थे कि आदि ने पूछा कि तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो। तब जयदीप ने बताया कि कई वर्षों से उनके दिमाग में एक कहानी है। इसमें लड़कियों की एक हॉकी टीम होती है, उनके कोच होते हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ होता है और कैसे बिना मोटिवेशन के खेलते खेलते उन्हें प्रेरणा मिलती है और वे एक के बाद एक मैच जीतती जाती हैं। जयदीप ने आधे एक घंटे में इस कहानी को सुनाया। उन्होंने कहा कि ये कहानी हर किसी को जाननी चाहिए। आदि ने अंत में कहा कि चलो इसे करते हैं। उन्होंने भी कहा कि ये फिल्म बनानी ही चाहिए। इसके बाद जयदीप ने रिसर्च करनी शुरू की। हॉकी कैंप्स में गए, स्टेडियम में गए, टीमों के साथ रुके। इसी दौरान हॉकी कोच का किरदार कबीर खान लिखा गया। फिल्म में शाहरुख खान ने इसे निभाया था। कबीर पर पाकिस्तान के खिलाफ जानबूझकर भारत को हरवाने के आरोप लगते हैं और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। बहुत बरस बाद उसे लड़कियों की हॉकी टीम का कोच बनाया जाता है और वो उन्हें विनिंग टीम बनाता है। फिल्म में कबीर पर जो झूठे आरोप लगे कुछ वैसा ही असल हॉकी प्लेयर की मीर रंजन नेगी के साथ भी 1982 में एशियाई खेल में हुआ था। इसी फिल्म में वे सलाहकार भी थे और छोटे से रोल में खुद नजर भी आए थे। हालांकि वे और जयदीप दोनों ही इनसे इनकार करते हैं कि फिल्म में कोच का कैरेक्टर उन पर बेस्ड नहीं है। चक दे इंडिया से पहले डायरेक्टर सीमित अमीन ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म अब तक 56 बनाई थी जिसमें नाना पाटेकर ने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का रोल किया था। इस फिल्म में सीमित का ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर आद को रह गया था। ऐसे में जब चक दे इंडिया के लिए डायरेक्टर ढूंढने की बात आई तो आदि ने जयदीप से कहा कि इससे तो अब तक 56 वाले ही बनवाना ठीक रहेगा। फिर सीमित फाइनल हुए। जयदीप सहनी सीमित को पहले से जानते थे और उनके दोस्त थे। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में फिल्म का वर्ल्ड कप फाइनल मैच शूट किया जाना था। डायरेक्टर सीमित चाहते थे कि स्टेडियम पूरा भरा हुआ दिखे और दर्शकों की बड़ी संख्या चेयर पर लगी हो। ये शूट लगातार 5 रातों तक चला। अब दिक्कत ये थी कि स्टेडियम भरने के लिए लोग नहीं थे। ऐसे में शाहरुख ने कहा कि स्टेडियम भरने के लिए वे उनके स्टारडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिल्म की टीम ने सिडनी में प्रचार कर दिया। शाहरुख खान वहां ओलंपिक हॉकी स्टेडियम में आने वाले हैं। लोग बड़ी संख्या में उन्हें देखने आए और लगातार 5 रात आए हैं। वे शाहरुख को देखने के लिए वहां 8-8 घंटे बैठे रहते थे। शाहरुख भी मैच के बीच में स्टेडियम में दर्शकों के आगे चक्कर लगाते थे, दर्शकों को वेव करते थे। जब उनके दृश्यों की शूटिंग भी नहीं हो रही होती थी तब भी वे ऐसा करते थे। वर्ष 2008 में इस्लाम डाक मिलोनियर जैसी आजकल विनिंग फिल्म से डेब्यू करने वाली फ्रीडा पिंटो ने भी चक दे इंडिया में एक हॉकी प्लेयर रोल के लिए ऑडिशन दिया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिल्म के अंत में भारतीय महिला हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है लेकिन जब जयदीप सहनी उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो एकदम आखिर तक उन्होंने नहीं तय किया था कि उनकी कहानी में क्या भारतीय लड़कियां जीतेंगी या नहीं। उन्हें सोच नहीं रहा था कि वह जीतने हारने के बजाय कहानी को आगे बढ़ाते गए और एक ऐसा करते करते कहानी अंत में पहुंच जाती है जहां शूट आउट से फैसला होता है। रिलीज से पहले मेकर्स ने एक वीडियो बनाया था जिसमें फिल्म की हॉकी टीम वाली लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें शहरों का कैरेक्टर ट्रेनिंग देता है। इन वीडियो में वो गाना भी रखा गया है
एक हाकी दुंगी में लग गए। लोगों का रिएक्शन लेने के लिए इस वीडियो को मल्टीप्लेक्स वालों के यहाँ भेजा गया। साथ ही मेकर्स ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दिखाया। मल्टीप्लेक्स वालों ने भी यह वीडियो वापस भेज दिया, कहा कि थिएटर में लोग इसे देखकर होर्डिंग कर रहे हैं और इस गाने में लड़कियों की मजाक भी उड़ा रहे हैं। प्रदर्शकों का फीडबैक था कि इस गाने को चलाना बंद कर दो, नहीं तो ये फिल्म देखने कोई नहीं आएगा। जयदीप साहनी का मानना था कि लोगों ने इस वीडियो को पसंद इसलिए नहीं किया क्योंकि वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि शाहरुख खान के प्लेयर लड़कियां ऐसी कैसी हो सकती हैं। उनके मन में ग्लैमरस हीरोइंस की कल्पना थी। हालांकि कुछ महीनों बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें सब दर्शकों ने इन्हीं सब लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो डायरेक्टर जयदीप अमेरिका के LA में थे क्योंकि वहां भी इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी। उन्होंने ओपनिंग के दिन मुंबई में प्रोड्यूसर यश चोपड़ा को फोन किया। यश धीमे धीमे स्वर में कहा, बेटा कोई आया ही नहीं, यानी कि फिल्म देखने लोग नहीं आ रहे। फोन के दूसरे तरफ जयदीप चुप हो गए। यश चोपड़ा ने फिर उनसे कहा कि फिल्म को भले ही एक आदमी देखने ना आए, लेकिन मुझे इस पर गर्व है कि मेरे स्टूडियो का नाम ऐसी फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि दूसरे दिन फिल्म हाउसफुल हो गई और लोगों में इसका क्रेज बढ़ता गया। बताया जाता है कि इस फिल्म की रिलीज के बाद देश में हॉकी स्टिक्स की बिक्री 30% तक बढ़ गई थी। सलमान खान को भी इस फिल्म में कबीर खान का लीड रोल ऑफर किया गया था। दरअसल जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, डायरेक्टर सीमित और राइटर जयदीप के बीच चर्चा होती चल रही थी और उनके जोहन में हॉकी कोच के रोल के लिए शाहरुख खान ही थे। लेकिन पहला ड्राफ्ट लिखने के बाद जब शाहरुख खान को अप्रोच किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास डेट्स नहीं है और वो एक प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में प्रोड्यूसर आदि ने सलमान खान के साथ इस रोल को करने के लिए मीटिंग की। हालांकि आखिर में रोल सलमान खान ने नहीं किया, बाद में शाहरुख खान ने फिल्म साइन कर ली। शक्ति इंडिया एंथम को भी सोच समझकर बनाया गया था। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की अपने डायरेक्टर और कंपोजर से मांग थी कि वह एक ऐसा गाना जरूर बजाएं जो स्पोर्ट एंथम बन जाए, क्योंकि भारत में राष्ट्रगान तो है लेकिन स्पोर्ट एंथम नहीं है। बाद में ऐसा ही हुआ। चक दे इंडिया हॉकी ही क्या, भारत के बाकी खेलों में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रमुख गाना बन गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता तो विराट कोहली ने दर्शकों के सामने इसे गाया। जब 2015 में वर्ल्ड कप में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया तो दर्शक चक दे इंडिया के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा क्रिकेट और बाकी मैचों में अनिवार्य रूप से बजता रहा है। बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म चक दे इंडिया को 13 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है। इस खास मौके पर फिल्म के राइटर जयदीप साहनी ने खास बात कही है। उन्होंने सिनेमा और समाज में फिल्म के प्रभाव के बारे में बताया है। यशराज फिल्म्स के साथ जयदीप साहनी के 15 साल के क्रिएटियल कोलेब्रेशन ने उन्हें बंटी और बबली, रॉकेट सिंह द सेल्समैन ऑफ द ईयर, शुद्ध देसी रोमांस, आजा नचले और शाहरुख खान की चक दे इंडिया जैसे कुछ शानदार हिट्स लिखने का मौका दिया है। इसके 15 साल पूरे होने पर जयदीप कहते हैं कि निर्देशक समित अमीन और उन्हें आदित्य चोपड़ा की तरफ से क्रिएटिव आजादी मिली थी। ये इंडस्ट्री की बेस्ट फिल्मों में से एक है। जयदीप ने कहा कि मैं कुछ सालों से इस कहानी को बताना चाहता था, इसलिए जब बंटी और बबली के बाद आदि ने मुझसे पूछा कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस फिल्म को करना चाहता हूँ जो कि किसी तरह के महिला एथलीट की दुनिया और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक क्रिज बना सके। जैसा कि मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया, उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यह एक शर्म की बात है कि दुनिया के बारे में पर्याप्त लोग नहीं जानते, और यह भी कि अगर हम चीजों को सही पाते तो यह वास्तव में एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। जयदीप ने अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। निर्देशक समित अमीन की तरह जिन्होंने एक दूरदर्शी निर्देशक के रूप में सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस जोड़ी को आदित्य द्वारा कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। वे चाहते थे कि उनकी अलग आवाज और विजन चमक जाए। जयदीप जो कि सीमित को पसंद करते थे, एक पूर्ण बाहरी व्यक्ति हैं और दोनों के प्रतिभाशाली होने के कारण आदित्य ने उन्हें आगे बढ़ाया। जयदीप ने कहा, सीमित और मैं उस वक्त से दोस्त हैं जब मैं कंपनी लिख रहा था और वो राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में भूत की एडिटिंग कर रहा था। अब तक 56 देखने के बाद आदि को विश्वास था कि
उन्हें इस फिल्म के लिए निर्देशक बनना चाहिए। निर्माता और निर्देशक के रूप में फिल्म में आदि और सुमित का शुरुआती दौर में विश्वास मेरे लिए बहुत अस्वस्थ करने लगा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा लेखन उन लोगों के हाथों में जा रहा है जिन पर मुझे भरोसा और सम्मान है। इस प्रकार जयदीप को लगता है कि उन्हें हमेशा BRF में एक मुफ्त हाथ दिया गया है, यही कारण है कि उन्होंने ऐसी विविध फिल्में लिखी हैं। वह कहते हैं, मेरी स्क्रिप्ट में से 5 एक दूसरे से बिल्कुल अलग YRF द्वारा निर्मित की गई हैं। इन्हें 4 अलग अलग निर्देशकों द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित और चलाए जा रहे स्टूडियो के बारे में कुछ अलग है, जिसे सतही रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता, लेकिन काम करने वाले फिल्म निर्माता समझ और सराहना करेंगे। जयदीप खुश है कि चकदे इंडिया भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर बन गया। उन्होंने कहा कि कभी कभी लोग चकदे इंडिया कहते हैं अपने समय से आगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे जज करना है। या सिर्फ इतना है कि दर्शकों के रूप में हम अपने दैनिक जीवन में बहुत व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि अगर हम इसे मौका देते तो कुछ नया कैसे खुश कर सकता है। और कहानीकारों के रूप में हम हमेशा मनोरंजक होने के लिए दबाव में रहते हैं, जो हमारी विषयों की पसंद पर एक आर्टिफिशियल सीलिंग लगा सकता है। लेकिन विषय हमेशा कहानीकारों से बड़े होते हैं, और अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो वे धीरे धीरे हमें रास्ता दिखाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जयदीप को फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल हो गए थे। उन्होंने राम गोपाल वर्मा के लिए 2000 में जंगल मूवी के लिए एक लेखक के रूप में शुरुआत की थी। उन्होंने बंटी और बबली के साथ 2005 में YRF के साथ कोलैबोरेट किया और तब से आदि के साथ मिलकर काम किया। वह कहते हैं कि मेरी पहली फिल्म के सेट पर किसी ने मुझे 2 महीने तक हर दिन देखने के बाद मुझे DDP ऑपरेटर के लिए कला समझा, क्योंकि मैं कंप्यूटर पर काम करता था। गवाही के लिए पटकथा लेखन उस भूले हुए कोने से आया जो आज सभी के ध्यान में सबसे आगे है और हमारे लेखकों के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। जयदीप कहते हैं, विभिन्न शैलियों की कल्पना और लिखित फिल्मों के लिए अलग अलग लय और बोलियों के साथ इतने अलग अलग वातावरणों में सेट किया गया है, इसकी बहुत खुशी हुई है। इतने सारे पात्र संवाद या गीतों के वाक्यांश लोगों की रोजमर्रा की बातचीत के हिस्सा बन गए हैं। कुछ ऐसा है जिसका मैंने लक्ष्य नहीं बनाया है, लेकिन अंत में हैरान हुए बिना आनंद लेना सीख लिया है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी चकदे इंडिया यंग डायरेक्टर समित अमीन की दूसरी फिल्म है। समित इससे पहले राम गोपाल वर्मा की कैंप की फिल्म अब तक 56 का निर्देशन कर चुके हैं। इस फिल्म की कहानी हॉकी के पूर्व राष्ट्रीय कोच मीर रंजन नेगी के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है, लेकिन फर्क बस इतना है कि फिल्म की कहानी को पुरुष हॉकी टीम की बजाय महिला हॉकी टीम से जोड़ा गया है। अगर कोच मीर रंजन की बात की जाए तो बरसों से उनका सपना रहा है कि भारतीय हॉकी दुनिया में एक बार फिर उसी जगह पहुंचे जहां हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने इसे पहुंचाया था। इसके लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। उसी कहानी के आधार पर यशराज फिल्म्स ने आजादी के 60 साल पूरे होने के बाद हॉकी पर भारतीय को दोबारा चित्रित करने पर पहुंचाने उसी कहानी के आधार पर यशराज फिल्म्स ने आजादी के 60 साल पूरे होने पर भारतीय हॉकी को दोबारा शिक्षित पर पहुंचाने के मकसद से इस फिल्म को बनाने का फैसला पिछले साल किया था। इस फिल्म की कहानी भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान कबीर खान यानी शाहरुख खान की है। कबीर खान जिस दिन टीम के कप्तान बनते हैं उसी दिन फैसला करते हैं कि पूरी टीम को साथ लेकर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना है, लेकिन कबीर खान का यह सपना अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि हॉकी से जुड़े खेल संघों में राजनीति और टीम से अपने चहेते खिलाड़ियों को रखने की पदाधिकारियों की मंशा उसे बांध देती है। उसे मुसलमान होने के नाते भी उससे कई मुसलमानों का सामना करना पड़ता है और वह टीम से बाहर हो जाता है। कई साल बाद कबीर लौटता है, महिला हॉकी टीम का कोच बनकर उसे एक अपने दोस्त से पता चलता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम में एक ऐसे कोच की तलाश है जो विपरीत परिस्थितियों और साधनों के अभाव में भी टीम में जितने का जज्बा जगा सके। उसे अपनी मंजिल अपने ऊपर लगे दाग मिटाने का मौका मिल जाता है। सिलेक्शन कमेटी की खिलाफत के बावजूद वह महिला हॉकी टीम का कोच बनता है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए उसे टीम की एक जगह लड़कियों का एक दल मिलता है जिनमें अपने लिए और अपने राज्य के लिए खेलने की भावना ज्यादा है। कबीर खान उन्हें देश के लिए खेलने के लिए तैयार करते हैं और वर्ल्ड कप के मुहाने पर ला खड़ा करते हैं। अब वर्ल्ड कप जीतना या न जीतना इन लड़कियों पर है,
फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी कसी हुई है कि दर्शक एक बार पर्दे पर नजर गिराने के बाद इधर उधर नहीं हटा पाते। अमीन ने नए कलाकारों से अच्छा अभिनय करवा लिया है और शाहरुख ने तो अपनी नई छवि में इस कदर प्रभाव छोड़ा है कि उनकी मैच्योरिटी को सालों तक याद किया गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं भी फिल्म शाहरुख के कंधों पर टिकी नजर नहीं आती। फिल्म का असली हीरो इसका सब्जेक्ट है और इस बात से निर्देशक कभी भी भटकता नहीं है। फिल्म का संगीत तो पहले ही हिट हो चुका था। शाहरुख खान की चर्चित फिल्म चक दे इंडिया, जिसने बॉलीवुड अभिनेता ने बीमन हॉकी के कोच का किरदार निभाया था। चक दे इंडिया मूवी आज के ही दिन 2007 में रिलीज हुई थी। चक दे इंडिया मूवी का टाइटल सॉन्ग क्रिकेट में भी बहुत लोकप्रिय हुआ था और ये गाना 2007 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान खूब प्रचलित हुआ था। शाहरुख खान इस मूवी में कबीर खान के किरदार की भूमिका में थे, जो भारतीय महिला टीम के कोच थे। कबीर खान ने शाहरुख खान ने ठान रखा था कि अपने ऊपर लगे गद्दार का इल्जाम हटाना है। दरअसल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पाकिस्तान के विरुद्ध फाइनल मैच हार गई थी। इसके बाद कबीर खान की फोटो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ वायरल हुई और कहा गया कि कबीर खान ने मैच फिक्सिंग किया था। कहा जाता है कि कबीर खान का यह रोल मीर सिंह नेगी से इंस्पायर था। कौन थे मीर सिंह नेगी? भारत बनाम पाकिस्तान के बीच एशियाई गेम्स हॉकी का फाइनल मुकाबला चल रहा था। मैच में सभी बड़े लोग उपस्थित थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैच को देखने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े लोग आए हुए थे। शुरुआती गोल भारत की ओर से चौथे मिनट में दागा गया, लेकिन इस गोल के बाद भारत की ओर से कोई अन्य गोल नहीं किया जा सका, जबकि पाकिस्तान ने धनाधन गोल दागे। पाकिस्तान ने भारत को उस फाइनल मुकाबले में 7-1 मात दी। इस मैच में गोली कीपर मीरा सिंह नेगी थे। इसके बाद मीर सिंह नेगी की फोटो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ आई तो उन पर आरोप लगे कि उन्होंने प्रत्येक गोल के लिए 1,00,000 रुपए लिए हैं। मीर सिंह नेगी के इस बात सफाई में कहा गया कि वे फोटो एशियाई गेम्स के ओपनिंग समारोह की थी, जो किसी पत्रकार ने खींची थी। शाहरुख खान का चक दे इंडिया में कबीर खान का रोल मीर सिंह नेगी से ही इंस्पायर था। चक दे इंडिया 2007 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस मूवी के लेखक थे जयदीप साहनी, अभिनेता थे शाहरुख खान, चित्रा सिलावा, शिल्पा शुक्ला, सगारिका घाटगे। इसमें संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने। ये रिलीज हुई थी 10 अगस्त 2007 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। एक लंबे अरसे के बाद यश चोपड़ा की कोई फिल्म प्यार मोहब्बत से हटकर थी और दर्शकों को पसंद आई थी। हॉकी की पृष्ठभूमि में बनी चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने अपनी रोमांटिक छव से हटकर एक ऐसे हॉकी कोच की भूमिका निभाई है जिसका एकमात्र लक्ष्य अपनी टीम को विश्व कप जिताना है। फिल्म हमें भारतीय हॉकी के वह सारे पहलू दिखाती है जिसके कारण वह अब रसातल में जा रही है। टीम में अनुशासन की कमी, सीनियर खिलाड़ियों का जूनियर खिलाड़ियों के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छे खेल मैदान की कमी, प्रशासकों का खिलाड़ियों की प्रति उदासीनता, खिलाड़ियों में देश और टीम के लिए खेलने की कम होती जाती भावना की वजह से हॉकी को होते हुए नुकसान को दिखाया गया है। खेलों के ऊपर बॉलीवुड में गिनती की फिल्में बनी हैं और लगान के बाद चक दे इंडिया का नाम आता है। यह फिल्म सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, यह एक कोच और उसकी टीम की उम्मीदों, जज्बातों, हिम्मत साहस और अपने सपनों की कहानी है। भारत में खेलों पर आधारित फिल्में गिनती की ही बनती हैं। चक दे इंडिया यशराज फिल्म्स द्वारा बनाई गई हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म कबीर खान नाम के एक हॉकी खिलाड़ी पर केंद्रित है। कबीर की कप्तानी में भारत के पाकिस्तान से एक हॉकी मैच हारने पर मीडिया कबीर पर फिक्सिंग का आरोप लगाती है और कबीर को हॉकी टीम से निकाल दिया जाता है। इसके कुछ साल बाद कबीर भारतीय स्त्री हॉकी टीम में कोच बनते हैं और उन्हें हॉकी विश्व कप जीतने में सहायता करते हैं। चक दे इंडिया कबीर खान की कहानी है, जो कभी भारतीय टीम का श्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड रह चुका है। पाकिस्तान के विरुद्ध एक फाइनल मैच में वह अंतिम छड़ों में पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल बनाने में चूक गया। फिल्म का संगीत संदीप सुलेमान द्वारा दिया गया है और बोल जयदाव साहनी ने दिए हैं। इसमें सॉन्ग थे चक दे इंडिया, बादल पे पाँव है, एक हॉकी दूंगी रख के, मौला मेरे ले मेरी जान, बैड बैड गिल्स, हॉकी रिमिक्स और 70 मिनट।
रिलीज होने पर फिल्म ने भारत में औसत उद्घाटन से नीचे दर्ज किया, जिसके कारण इसे भारत में कई हिस्सों में कम स्क्रीन मिली, जैसे कि पश्चिम बंगाल। हालांकि फिल्म को मजबूत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मिलने के कारण इसे 80% से अधिक अनुभव मिली। इसके बाद इसे बिहार राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया। एक सप्ताह के अंदर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 220 रुपये तक की पहुंची। इस फिल्म के सिनेमा के बाहर निकलने तक यह फिल्म एक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी। घरेलू स्तर पर 1 रुपए के राजस्व के साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। सिमित का निर्देशन बेहद शानदार है। एक चुस्त पटकथा को उन्होंने बाखूबी फिल्माया है। वह हॉकी के जरिए दर्शकों में राष्ट्रप्रेम की भावनाएं जगाने में कामयाब रहे। एक सीन में मैच के पूर्व जनगणमन की धुन बजती है तो थिएटर में मौजूद दर्शक सम्मान में खड़े हो जाते हैं। फिल्म में हर मैच के दौरान सिनेमाघर में उपस्थित दर्शक अपनी टीम का हर तरह से उत्साह बढ़ाते हैं। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए आईफा पुरस्कार भी दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया था। पिछले 13 सालों में जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी या भारतीय टीम किसी भी खेल के लिए मैदान पर उतरती तो एक गाना पूरे स्टेडियम में गूंजता है और वो है चक दे चक दे इंडिया। 2007 के बाद यह गाना हर भारतीय खिलाड़ी के अंदर उसी तरह से जोश भरने लगा जैसे फिल्म के फाइनल में टीम इंडिया का भर रहा था। 2007 में बड़े पर्दे पर आई फिल्म चक दे इंडिया ने काफी धूम मचाई। इस फिल्म का एक डायलॉग पहचान बन गया। शाहरुख खान से सची यह फिल्म 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली गोल्डन जीत से प्रेरित है। इस जीत ने ही स्क्रीन राइटर जयदेव साहनी को भारतीय महिला हॉकी टीम पर कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सीमती आमिर ने डायरेक्ट किया है। शाहरुख खान ने इस फिल्म में कोच कबीर खान की भूमिका निभाई है। फिल्म 15 अगस्त 2007 को फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते थे। सूरज लता देवी की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था, जहां इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता था। इसी जीत से प्रेरित होकर फिल्म बनी। हालांकि फिल्म की कहानी थोड़ी अलग है। फिल्म में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता। पहले ही फिल्मी कहानी थोड़ी अलग है, मगर कहानी के पीछे की भावना एक ही रही। इस फिल्म ने दिखाया कि हॉकी का चैंपियन बनना सिर्फ एक तमगा गले में पहनना भर नहीं था, बल्कि लोगों की सोच को बदलने के लिए भी जरूरी था। कहानी शुरू होती है कबीर खान यानी शाहरुख खान से, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहा होता है। पाकिस्तान 10 से आगे था। भारतीय टीम के कप्तान कबीर को स्कोर बराबर करने के मौके मिले, मगर वह पेनल्टी स्ट्रोक पर चूक गए। टीम की हार के बाद कबीर खान पर कई तरह की उंगली उठी और फिर उन्हें मां के साथ अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके 7 साल बाद कबीर वापस लौटते हैं और कई वर्ल्ड कप के लिए महिला टीम तैयार करते हैं। उनका सपना भारत को खिताब दिलाकर अपने ऊपर लगे दाग को धोना है। उसका सपना भारत को खिताब दिलाकर अपने ऊपर लगे दाग को धोना था। लेकिन महिला टीम खड़ी करना आसान बात नहीं थी। खैर, इसके बाद कोच की भूमिका में उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया। ट में आई थी शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया, आपको जरूर याद होगी। इस फिल्म में शाहरुख खान ने कोच की भूमिका निभाई थी, जिसमें वो महिला क्रिकेट टीम को हॉकी सिखाते हैं। इसके साथ ही इस फिल्म से महिला हॉकी टीम का एक सुनहरा सफर भी दिखाया गया है, जिसमें खिलाड़ी कैसे अपने देश के लिए विश्व कप जीत कर दिखाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर 10 साल बाद क्या कर रही है चक दे इंडिया की वो गर्ल्स। नंबर 1, सागरिका घाटगे। फिल्म चक दे इंडिया में प्रीति सब्बरलाल का रोल निभाने वाली सागरिका घाटगे वैसे तो इस फिल्म के बाद कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके चर्चे खूब हैं। दरअसल सागरिका ने हाल ही में मशहूर क्रिकेटर जहीर खान के साथ सगाई की है और इस साल का अंत तक शादी करने वाली है। चक दे इंडिया के बाद उन्होंने 2013 में मराठी फिल्म से डेब्यू किया था। वो आखिरी बार इरादा में दिखी थी। नंबर 2, विद्या मलवाड़े। चक दे इंडिया की टीम कप्तान विद्या शर्मा यानी विद्या मलवाड़े इस फिल्म के बाद 1920 इविल रिटर्न्स और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा में दिखी थी।
विद्या इस वक्त एक्टिंग सीखो। विद्या इस वक्त एक्टिंग को ब्रेक देकर योगा इंस्ट्रक्टर बन चुकी हैं। उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया था। नंबर 3, चित्रा सी रावल। फिल्म में हरियाणा की लड़की का किरदार निभाने वाले चित्रासी यानी कोमल चौटेला ने अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया था। चित्रासी ने फैशन, लक, ये दूरिया और टीवी शो या FIR में देख चुके होंगे। आजकल चित्रासी बॉक्स क्रिकेट लीग में अपनी टीम लखनऊ नवाब को प्रमोट कर रही हैं। अनायथा नायर। टीम की सीनियर खिलाड़ी आलिया के तौर पर नजर आने वाली अनायथा फिल्मी दुनिया से बेहद दूर हैं। फिल्म में उनका लुक रफ एंड टफ था, लेकिन वो असल जीवन में बेहद सिंपल हैं। अनायथा नायर अब हेयर स्टाइलिस्ट बन चुकी हैं और हांगकांग में रहती हैं। अनायथा ने कुछ फिल्मों में भी काम किया, बेल्टन अब्बा, दम मारो दम। अनायथा ने अपनी बेटी का नाम भी आलिया रखा है। नंबर 5, तान्या अबरोल। चक दे इंडिया की पंजाबी कुड़ी जिसे हर बात पर गुस्सा आता है यानी बलबीर कौर, इस फिल्म में कुछ ऐसा किरदार निभाया था तान्या ने। तान्या अपने CID में भी काम, तान्या को आपने CID में भी देखा होगा। चक दे इंडिया की रियूनियन की फोटो तान्या ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। नंबर 6, सीमा आजमी। इस फिल्म में हर राज्य से खिलाड़ी आए थे, उन्हीं में से एक किरदार था सुई मुई का, जिन्हें फिल्म में हिंदी बोलनी नहीं आती। सीमा सो इस प्यार को क्या नाम से बेहद मशहूर हुई थी। वैसे सीमा इससे पहले वाटर और अच्छा जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। शिल्पा शुक्ला। चलती इंडिया की सबसे सीनियर प्लेयर और सबसे बड़ी गुंडी बिंदिया नायक का रोल प्ले करने वाली शिल्पा शुक्ला को बाद में BA पास में देखा गया था। इसी साल नेटफ्लिक्स पर उनका TV ड्रामा द बिग फैट सिटी भी आया था। तुम्हारे सपने में ये जो बॉक्सिंग का शब्द है ना, ये निकाल के छोड़ूंगा। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। यदि कुछ करने की जिद हो तो दुनिया की तमाम बाधाएं आपका रास्ता नहीं रोक सकती। मैरी कॉम की कहानी को स्क्रीन पर देख यह बात सच प्रतीत होती है। वह भारत के उस हिस्से की रहने वाली है जहाँ आजादी के वर्षों बाद भी वहाँ के लोगों को बताना पड़ता है कि वह भारतीय है। मैरी कॉम ने एक ऐसा खेल चुना जिसमें पुरुषों का दबदबा है। भारत में बॉक्सिंग में महिला खिलाड़ी ढूंढे नहीं मिलती। मैरी कॉम के परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें तमाम सुविधाएं मिल पाती। मैरी के पिता इस खेल के खिलाफ थे। भारतीय खेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार से तो सभी परिचित हैं। मैरी कॉम को भी अपने स्तर पर इससे लड़ना पड़ा था। फेडरेशन मुक्केबाजों को डाइट में एक केला और चाय देता है और मैरी अपनी पहली फाइट भूखे पेट लड़ती है। उसका कोच पूछता है कि क्या वह लड़ लगी, तो वह कहती है कि सर खुशी से ही पेट भर गया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैरी ने विश्व चैंपियन का खिताब एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार अपने नाम किया। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी मैरी के नाम से अधिकतर भारतीय परिचित नहीं है। जब मैरी कॉम के निर्देशन उमंग कुमार से किसी ने कहा कि मैरी कॉम पर फिल्म बनाई जानी चाहिए, तो उनका जवाब था ये मैरी कॉम कौन है। जब उन्होंने मैरी कॉम के बारे में पढ़ा तो उन्होंने महसूस किया कि मैरी कॉम की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हैं कि उन पर फिल्म बनाई जानी चाहिए। मैरी का संघर्ष दोहरा है। पहला तो वह तमाम बाधाओं को पार कर विश्व चैंपियन बनती हैं। इसके बाद शादी करती हैं और 2 बच्चों की माँ बनती हैं। भारत में एक क्रिकेट खिलाड़ी IPL के कुछ मैच खेल कर ही करोड़पति बन जाता है, लेकिन मैरी कॉम 3 बार विश्व विजेता बनने के बावजूद परिवार के बढ़ते खर्च को लेकर चिंतित हो जाती है। वह नौकरी करने का फैसला करती है तो सरकार उन्हें हवलदार की नौकरी देती है जिसे वो ठुकरा देती है। मैरी को कोई पहचानता नहीं है, जिसका उन्हें बुरा लगता है। विश्व विजेता खिलाड़ी को फेडरेशन का अदना ऑफिसर ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार करवाता है। मैरी कॉम की वापसी को लेकर रुकावटें खड़ी की जाती है, उनसे माफीनामा मांगा जाता है। एक चैंपियन खिलाड़ी के लिए यह सब अपमानजनक है, लेकिन खेल के प्रति प्रेम के चलते मैरी कॉम यह सब सहन करती है और फिर बॉक्सिंग रिंग में उतरती है। खिलाड़ी के साथ हमारे यहाँ इस तरह का व्यवहार आम बात है, सभी जानते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर यह नजारा देखते हैं तो बहुत दुख पहुंचता है। मैरी रिंग में उतरकर फिर विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम करती है।
फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया गया है कि जब मैरी कॉम विश्व कप फाइनल का मैच देख रही होती है तब उनके बच्चे के दिल का ऑपरेशन चल रहा होता है। पता नहीं यह हकीकत है या फसाना, लेकिन अगर सच है तो यह कमाल की बात है कितने बड़े दर्द को लेकर मैच खेलती है और जीतती है। ये सारे प्रसंग दर्शक को बांध कर रखते हैं और मैरी कॉम के हर इमोशन को महसूस किया जा सकता है। फिल्म में कई दृश्य लाजवाब हैं। मैरी जब बॉक्सिंग सीखने के लिए प्रशिक्षक के पास जाती है तो आप पूछता है कि 5 कारण बताओ कि तुम बॉक्सिंग क्यों सीखना चाहती हो। वह 4 बार आई लव बॉक्सिंग कहते हुए पूछती है, 5वां कारण भी बताना जरूरी है क्या? एक लड़के से बॉक्सिंग का मुकाबला करने के बाद मैरी कॉम को पूछा जाता है कि क्या उसे डर नहीं लगा। जवाब मिला कि डर क्या होता है। रात को सुनसान सड़क पर अपने बॉयफ्रेंड को मैरी कहती है, डरो मत, मेरे साथ तुम सेफ हो। बायोपिक को स्क्रीन पर पेश करना आसान नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म के बीच के अंतर को ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही भारतीय दर्शकों की मानसिकता के अनुरूप काम करना होता है। आधी हकीकत और आधा फसाना का संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। निर्देशक उमंग कुमार के सामने चक दे इंडिया और भाग मिल्खा भाग जैसे उदाहरण सामने हैं और उनके प्रस्तुतिकरण में इन फिल्मों की छाप नजर आती है। उमंग कुमार के पास इतनी बढ़िया कहानी थी कि वह इसे बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते थे, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण कहानी के अनुरूप नहीं है। मैरी कॉम को उन्होंने कहीं कहीं बॉलीवुड हीरो की तरह पेश किया है। फिल्म ज्यादा लोगों को पसंद आए इसलिए लुभावना प्रस्तुतिकरण वाला रास्ता उन्होंने अपनाया है। इसके बावजूद फिल्म दर्शकों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि मैरी का संघर्ष सीधे दिल को छूता है। मैरी के दुख में आप उनके साथ रोते हैं और उनकी खुशी में भी शामिल होते हैं। हीरोइनों में प्रियंका चोपड़ा ही मैरी कॉम के रोल निभा सकती थी। फिल्म शुरू होने के चंद सेकंड बाद ही आप भूल जाते हैं कि यह प्रियंका हैं और उसे मैरी के रूप में ही देखने लग जाते हैं। कम मेकअप कर प्रियंका ने अपने और मैरी कॉम के बीच के अंतर को बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग ली और यह बात स्क्रीन पर नजर आती है। उन्होंने मैरी की तरह बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। एक चैंपियन खिलाड़ी की आक्रमकता, हालातों से लड़ने की जिद और कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनके अभिनय में नजर आती है। प्रशिक्षक के रूप में सुनील थापा और मैरी कॉम के पति के रूप में दर्शन कुमार का अभिनय भी उम्दा है। बॉक्सिंग मैचों के दर्शकों को अच्छे से फिल्माया गया है। संपादन थोड़ा ढीला है, गाने फिल्म के मोड के अनुरूप हैं और एकाध कम भी होता तो चलता। आइए जानते हैं मैरी कॉम की असली जिंदगी के बारे में। मैरी कॉम का पूरा नाम मंगते चुगने जंग मैरी कॉम है। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में कंगथेई मणिपुरी भारत में हुआ था। इनके पिता एक गरीब किसान थे। ये 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। कम उम्र से ही मैरी बहुत मेहनती रही हैं। अपने माता पिता की मदद करने के लिए वह उनके साथ काम करती थी, साथ ही वह अपने भाई बहनों की देखभाल करती थी। मैरी ने इन सब के बाद भी पढ़ाई की और इसकी शुरुआत लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से की, जहां वे 6th तक पढ़ी थी। इसके बाद संत जेवियर कैथोलिक स्कूल चली गई, जहां से इन्होंने कक्षा 8वीं तक की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई 9th एंड 10th के लिए वे आदमीजात हाई स्कूल चली गई, किंतु वे परीक्षा में पास नहीं हो पाई। स्कूल की पढ़ाई मैरी ने बीच में ही छोड़ दी और आगे इन्होंने NIOS की परीक्षा दी। इसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन चुराचांदपुर कॉलेज इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, से किया। मैरी को बचपन से ही एथलीट बनने का शौक रहा है। स्कूल के समय में वह फुटबॉल जैसे खेलों में हिस्सा लेती थी, लेकिन मजाक की बात यह है कि उन्होंने बॉक्सिंग में कभी भी भाग नहीं लिया था। सन 1998 में बॉक्सर डिंको सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। वे मणिपुर के थे। उनकी इस जीत से उनकी पूरी मातृभूमि झूम उठी थी। यहाँ मैरी ने बॉक्सिंग करते हुए डिंको को देखा था और इसे अपना करियर बनाने की ठान ली। इसके बाद उनके सामने पहली चुनौती थी अपने घर वालों को इसके लिए राजी करना। छोटी जगह के साधारण से लोग बॉक्सिंग को पुरुषों का खेल समझते थे और उन्हें लगता था कि इस तरह के गेम में बहुत ताकत मेहनत लगती है, जो इस कम उम्र की लड़की के लिए ठीक नहीं है। मैरी ने मन में ठान लिया था कि वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैरी ने अपने माँ बाप को बिना बताए इसके लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक बार इन्होंने मुखाम लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को लड़कों से बॉक्सिंग करते देखा, जिसे देख वह स्तब्ध रह गई।
यहाँ से उनके मन में उनके सपने को लेकर विचार और परिपक्व हो गए। वह अपने गांव से इम्फाल गई और मणिपुर राज्य के बॉक्सिंग कोच एम नरजीत सिंह से मिली और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए निवेदित किया। वह इस खेल के प्रति बहुत भावुक थी, साथ में एक जल्दी सीखने वाली विद्यार्थी थी। ट्रेनिंग सेंटर से जब सब चले जाते थे तब भी वह देर रात तक प्रैक्टिस करती रहती थी। बॉक्सिंग शुरू करने के बाद मेरी को पता था कि उनका परिवार उनके बॉक्सिंग में करियर बनाने के विचार को कभी नहीं मानेगा, जिस वजह से उन्होंने इस बात को अपने परिवार से छुपा कर रखा। 1998 से 2000 तक वह अपने घर में बिना बताए इसकी ट्रेनिंग लेती रही। सन 2000 में जब मेरी ने वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मणिपुर से जीत हासिल की और उन्हें बॉक्सर का अवार्ड मिला तो वहाँ के हर एक समाचार पत्र में उनकी जीत की बात छपी। तब उनके परिवार को भी उनके बॉक्सर होने का पता चला। इस जीत के बाद उनके घर वालों ने भी उनकी इस जीत को सेलिब्रेट किया। इसके बाद मेरी ने पश्चिम बंगाल में आयोजित वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, अपने राज्य का नाम ऊंचा किया। सन 2001 में मेरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना करियर शुरू किया। इस समय उनकी उम्र 18 साल मात्र थी। सबसे पहले इन्होंने अमेरिका में आयोजित AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 48 kg वेट कैटेगरी में हिस्सा लिया और यहां सिल्वर मेडल जीता। सन 2002 में तुर्की में आयोजित AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 45 kg वेट कैटेगरी में मेरी विजय रही और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस साल मेरी ने हंगरी में आयोजित विश्व कप में 45 वेट कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल जीता था। सन 2003 में भारत में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 46 kg वेट कैटेगरी में मेरी ने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद नार्वे में आयोजित वीमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में एक बार फिर मेरी को गोल्ड मेडल मिला। सन 2005 में ताइवान में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 46 kg वेट क्लास में मेरी को फिर से गोल्ड मेडल मिला। इसी साल रशिया में मेरी ने AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीती। सन 2006 में डेनमार्क में आयोजित वीनस वीमेन बॉक्स कप, भारत में आयोजित AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेरी ने जीत हासिल कर गोल्ड मेडल जीता था। एक साल का ब्रेक लेकर मेरी 2008 में फिर वापस आई और भारत में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप चाइना में गोल्ड मेडल जीता था। सन 2002 में वियतनाम में आयोजित एशियन इंडोर गेम्स में मेरी ने गोल्ड जीता था। सन 2010 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेरी ने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही मेरी ने लगातार 5वीं बार AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसी साल मेरी ने एशियन गेम्स में 41 kg वेट क्लास में हिस्सा लेकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन हुआ था। यहाँ ओपनिंग सेरेमनी में विजेंदर सिंह के साथ मेरी कॉम भी उपस्थित थी। इस गेम्स में वीमेन बॉक्सिंग गेम का आयोजन नहीं था, जिस वजह से मेरी यहाँ अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकी। सन 2011 में चाइना में आयोजित एशियन वीमेन कप 48 kg वेट क्लास में गोल्ड मेडल जीता। सन 2012 में मंगोलिया में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 41 kg वेट क्लास में गोल्ड मेडल जीता। इस साल लंदन में आयोजित ओलंपिक में मेरी काम को बहुत सम्मान मिला। वह पहली महिला बॉक्सर थी जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हुई थी। यहाँ मेरी को 51 kg वेट क्लास में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इसके साथ मेरी तीसरी भारतीय महिला थी जिन्हें ओलंपिक में मेडल मिला था। सन 2014 में साउथ कोरिया में आयोजित एशियन गेम्स में वीमेन फ्लाईवेट 48-52 kg में मेरी ने गोल्ड मेडल जीता था और इतिहास रच दिया था। मेरी की मुलाकात सन 2001 में ओलनर से दिल्ली में हुई थी, जब वे पंजाब में नेशनल गेम्स के लिए जा रही थी। उस समय ओलनर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। 4 साल तक दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता रहा, जिसके बाद सन 2005 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 3 लड़के हैं, जिसमें से 2 जुड़वा बेटे का जन्म 2007 में हुआ था एवं एक और बेटे का जन्म 2013 में हुआ था। सन 2007 में खेल के सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया था। सन 2007 में लिम्का बुक रिकॉर्ड द्वारा पीपल ऑफ द ईयर का सम्मान मिला था। सन 2008 में CNN, IBNM एवं रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा रियल हार्श अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 2008 पेप्सी MTV यूथ आइकन, सन 2008 में AIBA द्वारा मैग्निफिसेंट मैरी अवार्ड दिया गया था।
2009 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया था। सन 2010 में सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड द्वारा स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया गया था। सन 2013 में देश के तीसरे बड़े सम्मान पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। मैरी काम के जीवन पर आधारित फिल्म मैरी काम को उमंग कुमार ने बनाया था, जिसे 5 सितंबर 2014 में रिलीज किया गया था। फिल्म में मुख्य भूमिका में प्रियंका चोपड़ा थी, जिसमें उनकी अदाकारी देखने लायक थी। मैरी काम एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे अपनी पहचान बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खेल जगत पर बनी एक और फिल्म का नाम है मैरी काम। मैरी काम भारतीय मुक्केबाज मैरी काम पर के जीवन पर आधारित फिल्म है। इससे पहले हॉकी पर बनी फिल्म चक दे इंडिया ने बॉलीवुड जगत में बहुत सफलता पाई थी। मैरी काम एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खुद की पहचान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिल्म की स्टोरी मैरी काम यानी प्रियंका चोपड़ा से शुरू होती है। मैरी काम बॉक्सिंग मैच में भाग लेना चाहती है, लेकिन उसके पिता इसके इस फैसले का जोरदार विरोध करते हैं। मैरी काम को बॉक्सिंग और पिता में से किसी एक को चुनना होता है। मैरी काम बॉक्सिंग को चुनती है। मैरी काम खेल में अपने परिवार की खस्ता हालत को सुधारने के लिए भाग लेना चाहती है। वह अपने कोच सुनील थापा के अंडर में खूब पसीना बहाती है। जल्द उसे इस खेल में सफलता मिलती है और उसका परिवार उस पर गर्व करता है। इसके बाद मैरी काम अपने दोस्त के साथ शादी करने का फैसला करती है। मैरी काम के इस फैसले का उसके कोच विरोध करते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने अब तक के फिल्मी करियर में मैरी काम को सबसे ज्यादा प्रमोट किया था। प्रियंका ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हार्ट केक बनाने की कमान अपने कंधों पर संभाली थी। रिलीज से पहले दिन एक क्लास इंटरव्यू में फिल्म को मिली करीब 60% की बेहतरीन ओपनिंग का क्रेडिट अकेली प्रियंका चोपड़ा को ही जाता है। दरअसल प्रियंका का ऐसा करना दर्शकों में फिल्म का क्रेज बढ़ाने के लिए जरूरी था। यकीनन यह प्रियंका का असर था कि रिलीज से पहले ही 3 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में फिल्म टैक्स फ्री हो गई थी। टैक्स फ्री का सीधा फायदा फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को प्रभावित की थी। करीब 2 घंटे की इस फिल्म को देखने के बाद आप प्रियंका चोपड़ा की तारीफ करेंगे, जिन्होंने जबरदस्त मेहनत करके मैरी काम के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर जीवंत कर दिया। यह किरदार प्रियंका को नेशनल अवार्ड का सबसे मजबूत दावेदार बना सकता है। यह मणिपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली मैरी काम की कहानी है, जिसने अपने दमखम पर कम वक्त में ऐसा मुकाम हासिल कर दिखाया जहां पहुंचने का जज्बा लाखों में से किसी एक का होता है। मैरी काम के किरदार के लिए प्रियंका चोपड़ा ने ठीक उसी तरह से मेहनत की जैसे कि भाग मिल्खा भाग में अपने किरदार के लिए फरहान अख्तर ने की थी। फिल्म के लगभग सभी बॉक्सिंग सीन को प्रियंका ने बिना डुप्लीकेट के खुद अंजाम दिया था। बॉक्सिंग रिंग में एक ऐसे ही सीन की शूटिंग के दौरान प्रियंका की आंख के नीचे जोर का पंच लगा, लेकिन मैरी के किरदार में खुद को रंग चुकी प्रियंका ने शॉट कंप्लीट किया। मुक्केबाजी में 5 बार विश्व विजेता रही मैरी काम पर आधारित इस फिल्म की शुरुआत इम्फाल से होती है, जहां नागा विद्रोह और आर्म फोर्स आमने सामने है। पूरा शहर दंगों की चपेट में है, शहर में कर्फ्यू लगा है। इसी माहौल में मैरी काम का पति आनलर यानी दर्शन कुमार उसे डिलीवरी देने के लिए शहर के अस्पताल लेकर जा रहा है। फिर फ्लैशबैक का सहारा लेकर दिखाया जाता है कि मैरी के स्कूली दिनों से लेकर उनके बॉक्सर कोच मिस्टर सिंह यानी सुनील थापा की अकेडमी तक गुस्सैल मैरी का पहुँचना। किसान को हरगिज गवारा नहीं कि उसकी बड़ी बेटी बॉक्सर बने। पिता के विरोध के बावजूद मैरी का जोश कम नहीं होता। सुबह 5 बजे उठकर गांव से दूर एकेडमी पहुंचकर बॉक्सिंग सीखने के मैरी के जुनून पर टिकी मैरी काम एक नामुमकिन सपने को साकार करने की कहानी है। यकीनन यह फिल्म प्रियंका की है। मैरी काम के किरदार में प्रियंका ने जान डाली है। पूरी फिल्म प्रियंका के कंधों पर टिकी है। उनकी तारीफ करनी होगी कि स्कूली लड़की के किरदार से लेकर 2 बच्चों की बॉक्सर माँ के किरदार को प्रियंका ने जीवंत कर दिखाया है। वार्ड से रास फैशन बर्फी के बाद प्रियंका ने एक बार फिर साबित किया कि किरदार की डिमांड हो तो वह कहीं नहीं जा सकती। फिल्म के कुछ सीन के लिए गंजा होना, बॉक्सिंग के सीन में कहीं भी डुप्लीकेट को न लेना, इस फिल्म की कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रियंका को नंबर 1 बनाती हैं। बॉक्सिंग कोच सिंह के किरदार में नेपाली एक्टर सुनील थापा खूब जमे हैं। सुनील की डार्लिंग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल गजब की है। बेशक प्रियंका के पति के किरदार में दर्शन कुमार के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दर्शन ने कम फुटेज के बावजूद अपनी पहचान दर्ज कराई है। भंसाली कैंप के ब्लैक और सांवरिया के आर्ट डायरेक्टर रहे उमंग कुमार ने बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ मसालों का मुंह छोड़कर स्क्रिप्ट के साथ पूरा न्याय किया है। इंटरवल से पहले कहानी रफ्तार बेहद धीमी है।
इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद धीमी है, फ्लैशबैक का बार बार इस्तेमाल दर्शकों को अखरता है। वही फिल्म के कुछ दूसरे अहम किरदारों पर अमर उमंग को ज्यादा तवज्जो देते तो फिल्म और जोरदार बन पाती। कहानी की डिमांड पर फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पूर्वोत्तर की आउटडोर लोकेशन पर करके उन्होंने फिल्म को वास्तविकता के और ज्यादा नजदीक ला दिया। स्क्रिप्ट की डिमांड पर फिल्म के कुछ गाने तो हैं, जिद्दी है दिल का फिल्मांकन बेहतरीन है। प्रियंका का फिल्म के प्रति समर्पण, एक किरदार को जीवन बनाने का प्रियंका का गजब जज्बा, जिसे पर्दे पर देखने के बाद आप यकीनन प्रियंका के पक्के फैन हो जाएंगे। अगर अच्छी और लीक से हटकर बनी फिल्मों के शौकीन हैं, तो मेरी काम आप जरूर देखिए। खबरों की बाढ़ के इस दौर में कई बार खबरें देर से ही पहुंचती हैं। 5 बार की विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को अधिकांश लोगों ने तब जाना जब उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि मैरी मणिपुर से है और बहुत सारे लोग भारत के नक्शे में मणिपुर की स्थिति भी नहीं जानते। यही मैरी निर्देशक उमंग कुमार की पहली फिल्म के केंद्र में है, आज के युवाओं के आदर्शों में एक। देश के सुदूर कोने में चावल उगाने वाले एक किसान की बेटी के संघर्ष की कहानी आज अखबारों, पत्रिकाओं और टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन बड़े पर्दे पर किसी भी कहानी को देखने का रोमांच अलग है। यही कारण था कि अक्सर जानी सुनी बातें देखने को भी लोग सिनेमाघर में पहुंचते हैं। उमंग ने मैरी के बॉक्सर बनने का संघर्ष दिखाने के साथ उनके निजी जीवन की घटनाओं को फिल्म में उतारा है। साथ ही एक खिलाड़ी की निराश से उपजे गुस्से को भी उन्होंने दिखाया है। जब मैरी को विवाह के बाद गर्भवती होने पर रिंग से बाहर होना पड़ता है। प्रियंका चोपड़ा भले ही मैरी की तरह ना दिखती हूँ, लेकिन मैरी के स्वभाव, हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को उन्होंने खूबसूरती से जिया है। उनकी मेहनत साफ दिखाई देती है। फिल्म मैरी के बचपन से शुरू होकर उनके विश्व चैंपियन बनने तक आपको बांधे रखती है। यह हिस्सा मैरी के सपनों के सच होने की दास्तां है, जिसने आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसके बाद निर्देशक भटक गए हैं, फिल्म बिल्कुल ढीली और लचर हो जाती है। यहाँ स्क्रिप्ट और दर्शन की कमियां सामने दिखने लगती हैं। डॉक्यूमेंट्री और सिनेमाई ड्रामा अजीब ढंग से मिक्स हो जाता है। मैरी के पति की भूमिका में दर्शन कुमार और कोच के रोल में नेपाली एक्टर सुनील थापा जमे हैं। आम दर्शक मैरी को ओलंपिक विजेता के रूप में जानता है, लेकिन निर्देशक उनकी चौथी बार चैंपियन बनने के साथ फिल्म का अंत करते हैं, जहां स्टेडियम में राष्ट्रगीत की धुन बजती है और पर्दे पर निवेदित बनता है कि उसके सम्मान में सीट में खड़े हो जाएं। फिल्म का अंत यहां हो जाता है। फिल्म अधूरी सी लगती है। मैरी की जिंदगी की डिटेल यहां गायब है। संजय लीला भंसाली अक्सर लंबी फिल्में बनाते हैं, लेकिन यहां क्रिएटिव डायरेक्टर होने के बावजूद उन्होंने फिल्म को छोटा रखा है। क्या यह माना जाए कि निर्देशकों पर बाजार का दबाव हावी है, जिसे लंबी होने पर फिल्म को उबाऊ मान लिया जाने का खतरा पैदा हो जाता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा बहुत निराश करता है। जिन्होंने भाग मिल्खा भाग देखी है, वह इस फिल्म को उससे कम तर पाएंगे। अगर आप मैरी की जिंदगी के 20 साल को 2 घंटे में देखना चाहते हैं, तो आप मैरी कॉम फिल्म को जरूर देखें। बॉलीवुड में उस समय खिलाड़ियों पर फिल्म बनाने का जैसे नया ट्रेंड ही चल पड़ा था। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने मिल्खा सिंह पर भाग मिल्खा भाग के बाद अब संजय लीला भंसाली ने मैरी कॉम पर प्रियंका चोपड़ा को लेकर मैरी कॉम फिल्म बनाई थी। मुक्केबाजी में 5 बार विश्व विजेता रही मैरी कॉम जैसे खिलाड़ी को पर्दे पर दर्शाना आसान नहीं था, लेकिन उमंग कुमार ने उसे बेहतरीन तरीके से दर्शाया है। मैरी कॉम की जिंदगी के संघर्ष, उसकी जीत, उसकी सोच और खेल के प्रति लगन दर्शाती है कि अगर मैरी कॉम बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना होगा। मैरी कॉम की यह कहानी आपको प्रेरित करती है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। खास तौर से माँ बनने के बाद जो लड़कियाँ यह सोच लेती हैं कि उनकी जिंदगी अब ठप हो चुकी है, लेकिन सिजेरियन से बच्चे को जन्म देने वाली मैरी कॉम बॉक्सिंग में अगर दोबारा वापसी कर सकती है तो वह कुछ भी कर सकती है। इस फिल्म में मैरी कॉम का एक बेखौफ अंदाज, प्रेम से लगाव, माँ की ममता और एक खिलाड़ी की जिद को बखूबी दर्शाया गया है। साथ ही खेल जगत में बड़े अधिकारियों द्वारा खिलाड़ियों और खास तौर से महिला खिलाड़ियों के साथ की जा रही जद्दाती को भी दर्शाया है। हजारों सपनों और उसकी एक कहानी, जिस किसी ने भी पर्दे पर देखा हर किसी की आंखों में आंसू आ गए।
हजारों सपने और फिर आंखों के सामने टूटना और फिर बिखरे सपनों का लंबे सफर के बाद सच होने की कहानी देश के हर किसी ने देखा। सपना सच होते हुए तो हर किसी ने देखा, मगर उससे पहले उसके टूटने के दर्द को सिर्फ एक ही शख्स महसूस कर सकता है, और इसी दर्द को 2017 में बड़े पर्दे पर हर किसी ने देखा था। 2017 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स को देखते समय हर कोई ऐसा डूब गया। सचिन की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लोगों ने उतना ही पसंद किया। 2017 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स को देखते समय हर कोई डूब गया था। सचिन की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लोगों ने उतना ही पसंद किया जितना देश में उन्हें प्यार करते हैं। इस फिल्म में सचिन ने अपनी जिंदगी से जुड़े उन किस्सों का भी खुलासा किया जिसके बारे में लोगों ने कभी नहीं सुना। फिल्म हिंदी, मराठी और इंग्लिश में बनी थी। वही तमिल, तेलुगु में डब वर्जन भी आया था। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया था। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में जन्मे सचिन ने 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। 24 साल के लंबे करियर में उन्होंने 200 टेस्ट, 463 वनडे और 80-20 मैच खेला। उनके नाम 100 इंटरनेशनल शतक का रिकॉर्ड है, साथ ही कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसका टूटना असंभव सा नजर आता है। देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का उनका सपना 2011 में पूरा हुआ, मगर उससे पहले उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का दर्द भी झेला। 2007 वर्ल्ड कप के पहले दौर से बाहर होने के दर्द को बर्दाश्त किया 2007 वर्ल्ड कप के पहले दौर से बाहर होने के दर्द को बर्दाश्त किया अपनी आंखों के साथ 2000 में टीम को बिखरते हुए देखा। साथ ही कुछ ऐसा हुआ होगा जो इस दिग्गज ने अपनी आंखों से ना देखा हो। सचिन पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री में दो प्लॉट हैं। पहला प्लॉट सचिन के बचपन से लेकर 1999 तक उनके करियर तक है, जबकि दूसरा हिस्सा उनके क्रिकेट के भगवान बनने से लेकर पहले उनके पहले वर्ल्ड कप जीत तक है। फिल्म के ज्यादातर सीन सचिन की निजी जिंदगी के वीडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू और क्रिकेट मैच के हैं। सचिन तेंदुलकर को कितना पसंद किया जाता है इसकी मिसाल मुझे फिल्म देखते समय मिली। एक सचिन फैन जो कि मेरे पास बैठा हुआ था ने अपने 8-9 वर्षीय बेटे को छिड़क दिया जो कि विराट कोहली का फैन था। विराट को स्क्रीन पर आते ही वह झूम उठता है और विराट की तारीफ करने लगता है। तब उसका पिता उसे जोर से कहता है, ये सब तो सचिन के आगे पानी भरते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट का भगवान माना जाता है। इस गार्ड ऑफ क्रिकेट ने अपने करोड़ों भक्तों को आनंद के ऐसे कई क्षण दिए जिनकी जुगाली कर क्रिकेट प्रेमी तब तक आनंद लेते रहे। सचिन तेंदुलकर ने अपने करिश्माई खेल से क्रिकेट को भारत में बेहद लोकप्रिय बनाया, और जिस तरह से इस खेल में पैसा बरस रहा है उसमें सचिन के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सचिन तेंदुलकर का अंतर्राष्ट्रीय करियर 24 वर्षों का रहा। भारत की ओर से 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में प्रतिनिधित्व करते हुए 34,357 रन बनाए। इतना लंबा करियर बचपन से आज तक की बात है। मैदान के अंदर और बाहर की गतिविधियों को 2.5 घंटों की एक फिल्म में दर्शाना किसी भी फिल्मकार के लिए टेढ़ी खीर है। निर्देशक जेम्स आर्चर ने इस चुनौती को स्वीकारा और वह सफल भी रहे। सचिन ए बिलियन ड्रीम्स में सचिन के बचपन से लेकर आज तक की प्रमुख घटनाओं को पिरोया गया है। इसमें एमएस धोनी द अनटोल स्टोरी की तरह ड्रामा नहीं है। इसमें किसी और कलाकार ने धोनी का रोल अदा किया था। यह एक डॉक्यू फीचर है जिसमें सचिन के बचपन को एक किरदार के जरिए दिखाया गया है, लेकिन बाकी की बातें सचिन सुनाते चलते हैं। सचिन ए बिलियन ड्रीम्स की शुरुआत सचिन के बचपन से होती है कि वह किस तरह से यह नटखट बच्चा क्रिकेट के प्रति गंभीर हो गया, किस तरह से सचिन के गुरु रमाकांत आचरेकर ने कितनी कड़ी मेहनत सचिन से कराई। इसके बाद सचिन का पहला टेस्ट, उनकी नाक पर गेंद का लगना, अब्दुल करियर को छक्के जमाना, 1996 का विश्व कप, सचिन के पिता का निधन और उसके बाद फिर से उनका विश्व कप क्रिकेट के लिए इंग्लैंड लौटना, सचिन का कप्तान बनना, 2003 का विश्व कप क्रिकेट का फाइनल, क्रिकेट पर फिक्सिंग का साया, 2001 में ऑस्ट्रेलिया से हुआ कोलकाता टेस्ट मैच, सचिन बनाम वार्न सीरीज चैपल का प्रशिक्षण बनना और फिर 2011 का विश्व कप जीतना, जैसे कई यादगार लम्हे आंखों के सामने से गुजरते हैं जिन्हें देख रहे सिनेमा हॉल में बैठे क्रिकेट प्रेमी के अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। सचिन की यादगार परिस्थितियों की भी झलक इनमें मिलती है। सचिन की इन घटनाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा यह भी जानने को मिलता है। मसलन फिक्सिंग पर उस समय चुप रहने का कारण बताते हुए सचिन ने कहा कि उनके पास बोलने को कुछ नहीं था और न ही सबूत थे। कुछ नई बातें भी
पता चलती हैं सचिन और अंजलि की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। जब सचिन तनाव में रहते हैं तो बप्पे लहरी द्वारा संगीतबद्ध कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं, कौन सा मैच सचिन अपने करियर का सबसे मुश्किल मैच मानते हैं, शेन वार्न ने जब सचिन को पहली बार आउट किया था तो उन्होंने क्या किया था, सचिन को अपने करियर के पहले मैच में नाक पर बॉल लगी थी तो जावेद मियादाद ने क्या कहा था, विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल में सचिन जब आउट हुए थे तो क्या महसूस कर रहे थे, सचिन कप्तान क्यों नहीं बनना चाहते थे, विराट कोहली को कब महसूस हुआ कि जब वे बैटिंग के लिए मैदान में जा रहे थे तो ऐसा लगा मानो शमशान में जा रहे हों, किस मैच के बाद कई खिलाड़ी बाथरूम में जाकर रोए थे। इन बातों को विराट कोहली, सहवाग, पेंटिंग, वार्न, सुहाग, युवराज, लारा, गावस्कर जैसे खिलाड़ियों ने भी बताया है। ड्रेसिंग रूम के फुटेज सहित कई ऐसे फुटेज भी हैं जो संभवतः पहली बार सामने आए हैं, जैसे विश्व कप क्रिकेट 2011 का सेमीफाइनल जीतने के बाद कोच गैरी कल्चर ने ड्रेसिंग रूम में क्या कहा था, सचिन के निजी संग्रह के भी फुटेज हैं जिनमें उनके परिवार जीवन की झलक मिलती है और ये फिल्म की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन की फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स पर्दे पर आ चुकी थी और लोगों ने इसे खूब प्यार दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही थी। इस फिल्म में सचिन ने खुद काम किया है और फिल्म को बनाने में कई साल लगे हैं। फिल्म में सचिन के करियर से लेकर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ था कि आखिर इस फिल्म के लिए सचिन ने कितने पैसे चार्ज किए थे। सचिन की फिल्म जब पर्दे पर आई तो उस दिन किसी और फिल्म की रिलीज को नहीं रखा गया था, साथ ही पर्दे पर जो फिल्में थी वो पुराने हफ्तों की रिलीज थी। सचिन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी कर रही थी, लेकिन इस फिल्म के लिए सचिन को कितने पैसे मिले इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए सचिन ने अच्छे पैसे लिए थे। प्रोडक्शन टीम से पता चला कि इस फिल्म के लिए उन्हें 40 करोड़ के करीब मिले हैं। उन्होंने कहा उन्हें 40 करोड़ तो नहीं लेकिन 35 से 38 करोड़ के करीब इस फिल्म के लिए मिले हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बजट की बात करें तो इसका एवरेज बजट एक हिंदी फीचर फिल्म के बराबर है। सचिन की इस बायोपिक में डॉक्यूमेंट्री ड्रामा महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने पहले दिन ही 21 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म 2016 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरी नंबर पर आ रही थी। हालांकि सचिन यहां पर धोनी से बेहद पीछे रहे। सचिन की फिल्म ने पहले दिन 8 करोड़ की कमाई की लेकिन फिल्म ने बाद में रफ्तार पकड़ी। फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स में मास्टर ब्लॉकबस्टर के बचपन से लेकर उनके मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किए गए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट तक की पूरी कहानी को बखूबी दर्शाया गया है। इस फिल्म में कोई भी एक्टर मुख्य भूमिका नहीं निभा रहा। यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें आपको केवल सचिन ही सचिन नजर आएंगे। फिल्म को भारत में 2400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया और विदेशों में इसे 400 स्क्रीन मिली थी। साथ ही विदेशों में भी सचिन की फिल्म को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। बता दें कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी महेंद्र सिंह धोनी पर बनी बायोपिक थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत धोनी की मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म के लिए धोनी ने करीब 80 करोड़ रुपए लिए थे। सचिन तेंदुलकर का नाम आते ही सामने मास्टर ब्लास्टर की तस्वीर आ जाती है जो गेंदबाजों की जमकर धुनाई करता है, लेकिन उसे सचिन के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान ले जाती है ये सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। कैसे बनी है फिल्म, आइए जानते हैं। यह कहानी महाराष्ट्र के मराठी उपन्यासकार रमेश तेंदुलकर के घर जन्मे सचिन यानी सचिन तेंदुलकर की है, जिनका जन्म दादर के एक नर्सिंग होम में होता है जहां से मास्टर की लाइफ जर्नी की शुरुआत होती है। बचपन में शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करना, गुरु आचरेकर के साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना और फिर बचपन में सपनों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना, यही नहीं पहला वनडे क्रिकेट में आलोचना, पहला शतक, कंट्रोवर्सी जैसे सभी पहलुओं के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी बच्चों का आना और फिर क्रिकेट को अलविदा कहना, ये सभी बातें फिल्म में दिखाई गई है। अगर बात करें इसके डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है और साथ ही अलग अलग सीन को दर्शाने के लिए नाट्य रूपांतरण के साथ साथ रियल लोगों को बड़े ही सटीक अंदाज में फिट किया गया है जो आपको बांधे रखता है। फिल्म की कहानी तो आपको विकिपीडिया में 60% मिल ही जाती है लेकिन स्क्रीन प्ले के साथ बताने का ढंग भी दिलचस्प है। सचिन को अपने क्रिकेट के मैदान या अलग अलग भाषाओं में देखा होगा लेकिन वास्तविकता क्या है इसे बखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। फिल्म में बहुत सारे अनदेखे वीडियोस भी देखने को मिलते हैं। वैसे तो नाट्य रूपांतरण के किरदारों ने बढ़िया काम किया है और असल जिंदगी के लोग यानी वीरेंद्र सहवाग, धोनी, रवि शास्त्री, सचिन, अंजलि, सारा और अर्जुन का पिक्चराइजेशन भी काफी दिलचस्प है।
अमिताभ बच्चन, हर्षा भोगले, वीरन सहवाग का भी अच्छा अपीयरेंस है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है और समय समय पर बहुत ही मोटिवेट करता नजर आता है। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और मास्टर ब्लास्टर सचिन के जीवन की कहानी को जानने की इच्छा रखते हैं तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देखें। क्रिकेट के दीवानों के लिए शुक्रवार काफी खास दिन था, क्योंकि क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर के जीवन से जुड़े कई पहलुओं से उस दिन पर्दा उठ चुका था। रिलीज हुई फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बनने की कहानी है। लेकिन आपको बता दें कि यह फिल्म भाग मिल्खा भाग या MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी पिक्चर नहीं है, बल्कि ये एक डाक्यू ड्रामा है। यानी इस फिल्म के कुछ हिस्से आपकी असल फुटेज उपलब्ध नहीं थी, यानी इस फिल्म के कुछ हिस्से जिनकी असल फुटेज उपलब्ध नहीं थी, सिर्फ उन्हीं दृश्यों का नाट्य रूपांतरण किया गया है। जैसे सचिन का बचपन दिखाने के लिए उनके अलावा पूरी फिल्म इंटरव्यूज, घर घर बनाए गए वीडियो, तस्वीरों और क्रिकेट मैचों की फुटेज के सहारे आगे बढ़ती है। लेकिन इसके बाद भी इसमें एक बेहतरीन फीचर फिल्म वाली अपील है और एक अच्छी फिल्म के गुण है। भले ही आप क्रिकेट या सचिन के बहुत बड़े प्रशंसक न हो, इसके बावजूद पूरी फिल्म में आपकी उत्सुकता बनी रहेगी। इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसा है जो न सिर्फ एक क्रिकेट फैन बल्कि एक नॉन क्रिकेट फैन भी जानना चाहेगा। जैसे सचिन जब जल्दी आउट हुए तो उन्होंने क्या सोचा, पाकिस्तानी टीम ने उन्हें पहली बार देखा तो क्या बोला, शेन वॉर्न की गेंदों का सामना करने के लिए उन्होंने क्या तैयारी की, या फिर उनकी पत्नी अंजलि और उनके बीच किस तरह हुई प्यार की शुरुआत। इस फिल्म को संगीत म्यूजिक मास्टर या रहमान ने दिया है। इस फिल्म की खामियों की बात करें तो इसमें सिर्फ दो जगह इसके स्क्रीन प्ले में छोटी छोटी खामियां लगी, क्योंकि दो जगह सचिन की कहानी धारा प्रवाह चलते चलते झटके के साथ कहीं और चली जाती है। एक जगह जहां सचिन अपनी और टीम की बल्लेबाजी सुधारने की बात करते हैं और दूसरी जगह उनके कप्तान बनने पर टीम में जब असंतुष्ट की बात होती है। इसके अलावा बड़ी खूबसूरती से यह फिल्म आगे बढ़ती है, या भले ही फीचर फिल्म न हो लेकिन यह आपका मनोरंजन भी करती है, आपकी आंखें नम भी करती हैं और आपको तालियां बजाने पर मजबूर भी करती है। इस फिल्म की एक और खास बात यह है कि यह फिल्म सचिन के जीवन के साथ साथ हिंदुस्तान के बदलते मानसिक ढांचों पर भी रोशनी डालती है और बताती है कि निराशजनक माहौल में किस तरह सचिन का एक ताजा हवा का झोंका बनकर आए। ये फिल्म सचिन और फिल्मकार का बड़ा ही स्मार्ट कदम है और बतौर समीक्षक मैं भी इसकी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि बायोपिक के चलन के बाद भी फिल्मकार और सचिन ने डाकू ड्रामा बनाने का निर्णय लिया। शायद उन्हें इसका अंदाजा था कि फीचर फिल्म के चलते शायद उन्हें थोड़ा बहुत ड्रामा भी फिल्म में डालना पड़ता, इसकी वजह से विषय की सत्यता को खतरा हो सकता था, जैसा कि अक्सर बायोपिक में होता है। बस यही कहेंगे, आप क्रिकेट फैन है या नहीं, पर आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हालांकि इस फिल्म को रेटिंग के पैमाने पर मुझे नहीं तोलना चाहिए, पर फिर भी आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस स्तर की फिल्म है, मैं इसे देता हूँ 4 स्टार अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। दर्शकों को काफी पसंद आ रही थी, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने पूरी कहानी को झूठा करार दे दिया। फिल्म में विलन की भूमिका में दिखाए गए भारतीय टीम के पूर्व कोच का मानना है कि कहानी गलत है। फिल्म में चैपल को एकमात्र विलन दिखाया गया है। फर्स्ट पोस्ट हिंदी में छपी खबर के मुताबिक चैपल ने कहा, इतने सारे झूठ के बाद मैं खुद का बचाव नहीं कर सकता। BCCI के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर सच को बेहतर जानते हैं और आपको भी सच जानने के लिए उन्हीं से पूछना चाहिए। बता दें कि फिल्म में दिखाया गया है कि ग्रेग चैपल की देखरेख में भारतीय टीम के सभी सीनियर खिलाड़ी अपनी जगह को लेकर चिंतित रहने लगे थे। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि चैपल ने साल 2017 विश्व कप से ठीक पहले बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया था, जिसकी वजह से टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई। सचिन ने कहा, हम सभी साल 2007 के विश्व कप को लेकर काफी उत्साहित थे, हर खिलाड़ी उसके लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा था, लेकिन विश्व कप से ठीक पहले सभी का बल्लेबाजी क्रम बदल दिया गया और जिनका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ा। 2005 से 2007 तक टीम इंडिया के कोच रहे चैपल का पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली से काफी विवाद हो गया था, जिसके बाद गांगुली को कप्तानी और टीम से बाहर कर दिया गया था। भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर बनी बायोपिक सचिन ए बिलियन ड्रीम्स दुनिया भर में 26 मई को रिलीज हुई थी। ब्रिटिश फिल्म निर्माता जेम्स इरस्किन को फिल्म को बनाने में 5 साल लगे। पहली बार 2012 में इस फिल्म के बारे में प्रोड्यूसर रवि भग चंदका ने मास्टर ब्लास्टर से जब इस आइडिया को लेकर पहली बार मुलाकात की तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, कुछ भी हो मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। फिल्म के लिए भी राजामंदी देने में सचिन को कुछ समय लगा था। बकौल सचिन, जब पहली बार रवि उनके पास आए और बोले कि अन्य खेल हस्तियों पर भी बायोपिक बनी है, इसलिए मुझ पर एक होनी चाहिए, मुझे हाँ करने में थोड़ा समय लगा, मेरे मामले में कुछ मनोरथ संभव नहीं है,
जो कुछ है सबके सामने है। मेरी कहानी सबको पता है, अगर मैंने 55 रन बनाए हैं तो लोग जानते हैं, कोई भी इसे बदल कर 155 नहीं कर सकता। जब रवि ने बताया कि सब कुछ अचल जिंदगी से ही लिया जाएगा तो मैं भी अस्वस्थ हो गया कि हाँ फिर ठीक है, रिटेक नहीं होंगे। अपने प्रशंसकों के बीच मास्टर ब्लास्टर के रूप में विख्यात सचिन अपने बारे में कुछ बोलने से हमेशा कुछ कहने से बचते रहे हैं, लेकिन यह फिल्म भारतीय क्रिकेट के कुछ गौरवशाली छड़ों को फिर से जीवंत करने में मदद कर सकती है। खुद सचिन कहते हैं, आज भी मैं अपने बारे में कुछ कहने से हिचकिचाता हूँ, इसलिए मैंने अपनी बात कहने के लिए दूसरों की मदद ली। वर्ष 2000 में मैच फिक्सिंग प्रकरण हुआ था जिसने भारतीय क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया था। इसके बारे में सचिन के मुंह से कुछ नहीं निकला, लेकिन इस बायोपिक के ट्रेलर से लगता है कि इस प्रकरण के बारे में सचिन प्रशंसकों से कुछ चर्चा करते नजर आ सकते हैं। भारत में खेलों पर आधारित फिल्में गिनती की ही बनी हैं। खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में फिल्मों में भी खेल दिखाई देने लगा है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और इस समय यह पिछड़ा हुआ खेल माना जाता है। इस खेल पर फिल्म बनाकर निर्देशक सीमित अमीन ने एक साहसिक काम किया है। चक दे इंडिया कबीर खान की कहानी है, जो कभी भारतीय टीम का श्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड रह चुका है। पाकिस्तान के विरुद्ध एक फाइनल मैच में वह अंतिम छड़ों में पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल बनाने में चूक गया और भारत मैच हार गया। मुस्लिम होने के कारण उसकी देशभक्ति पर प्रेस चिन्ह लगा दिया गया, उसे गद्दार कहा गया। उस मैच के बाद खिलाड़ी के रूप में उसका करियर खत्म हो गया। 7 वर्ष बाद वह महिला हॉकी टीम का प्रशिक्षक बनता है। इस टीम को विश्व चैंपियन बनाकर वह अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोना चाहता है, लेकिन उसकी राह आसान नहीं है। इन लड़कियों का ध्यान खेल पर कम था, वह केवल नाम के लिए खेलती थी। अलग प्रदेशों से आई इन लड़कियों में एकता नहीं थी, सीनियर लड़कियों की दादागिरी थी। कबीर इन लड़कियों के दिमाग में यह बात डालता है कि वह भारतीय पहले हैं, फिर वह महाराष्ट्र या पंजाब की हैं। फिर शुरू होता है प्रशिक्षण का दौर, हर तरफ से बाधाएं आती हैं और कबीर इन बाधाओं को पार कर अंत में अपनी टीम को विजेता बनाता है। कहानी बड़ी सरल है, लेकिन जयदीप साहनी की पटकथा इतनी उम्दा है कि पहली प्रेस से ही दर्शक फिल्म से जुड़ जाते हैं। छोटे दृश्य में इतने उम्दे तरीके से लिखे गए हैं और फिल्माए गए हैं कि कई दृश्य सीधे दिल को छू लेते हैं। शाहरुख खान अपनी टीम का परिचय प्राप्त करते हैं तो जो लड़की अपने नाम के साथ अपने प्रदेश का नाम जोड़ती है उसे वे बाहर कर देते हैं और अपने नाम के साथ भारत का नाम जोड़ने वाली लड़की को शाबाशी देते हैं। ये उन लोगों पर करारी चोट है जो प्रतिभा खोज कार्यक्रम में प्रतिभा चुनते समय अपने प्रदेश के पहले होते हैं और भारतीय बाद में। ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम के बाहर खड़े शाहरुख एक विदेशी कर्मचारी को भारत का तिरंगा लहराते हुए देखते हैं। एक खिलाड़ी उनसे आकर पूछती है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो शाहरुख का जवाब होता है कि मैं एक गोरे को तिरंगा फहराते हुए पहली बार देख रहा हूँ। भारत के लिए खेले एक श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति क्या होती है, ये निर्देशक ने शाहरुख खान को एक खटारा स्कूटर पर बैठाकर बिना संवाद के जरिए बयां कर दी। महिला टीम होने के कारण इन्हें पुरुषों की छींटाकछी का शिकार भी होना पड़ता है। हॉकी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सोच रहती है कि चकला बेलन चलाने वाली लड़कियां हॉकी क्या खेलेंगी, लेकिन निर्देशक ने कई दृश्यों के जरिए साबित किया है कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। शाहरुख एक जगह संवाद बोलते हैं, जो महिला पुरुष को पैदा कर सकती है वह कुछ भी कर सकती है। सीमित का निर्देशन बेहद शानदार है, एक चुस्त पटकथा को उन्होंने बाखूबी फिल्माया है। वह हॉकी के जरिए निर्देशक में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जगाने में कामयाब रहे। एक सीन में मैच के पूर्व जब जनगणमन की धुन बजती है तो थिएटर में मौजूद दर्शक सम्मान में खड़े हो जाते हैं। फिल्म में हर मैच के दौरान सिनेमा घर में उपस्थित दर्शक भारतीय टीम की इस तरह उत्साह बढ़ाते हैं जिससे स्टेडियम में बैठकर वे सचमुच का मैच देख रहे हों। प्रत्येक दर्शक टीम से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है और यही पर सीमित की कामयाबी दिखाई देती है। शाहरुख खान ने एक कलंकित खिलाड़ी और कठोर प्रशिक्षक की भूमिका को बाखूबी निभाया है। वह शाहरुख खान नहीं लगकर कबीर खान लगे हैं। कई दृश्यों में उन्होंने अपने भाव मात्र आंख से व्यक्त किए हैं। कलंक धोने की उनकी बेचैनी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। उनकी टीम में शामिल 16 लड़कियां भी शाहरुख को टक्कर देने के मामले में कम नहीं रहीं। उनकी आपसी नोकझोंक और हॉकी वाले दृश्य उम्दा हैं। पंजाब और हरियाणा से आई लड़कियों का अभिनय शानदार है। फिल्म में गाने हैं लेकिन वे पार्श्व में बजते रहते हैं। इन गीतों का उपयोग बिल्कुल सही स्थान पर किया गया है। जयदीप साहनी के संवाद सराहनीय हैं।
कुल मिलाकर चक दे इंडिया एक बार जरूर देखी जानी चाहिए। जयदीप साहनी को इस कहानी का आइडिया न्यूज़पेपर की एक छोटी सी स्टोरी से आया था। वे अखबार पढ़ रहे थे और इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम के 2012 के राष्ट्रमंडल खेलों में जीतने की बड़ी खबर को एक छोटी सी जगह में लगाया गया था, जो अखबार के पीछे के पन्नों में कहीं दबी हुई थी। उन्हें हैरानी हुई कि कॉमनवेल्थ गेम्स जितनी बड़ी जीत को फ्रंट पेज पर जगह क्यों नहीं दी गई। यही 2004 में एशिया कप में हुआ, जिसमें भारतीय महिला टीम जीती थी। यही जीते अगर पुरुष टीमों ने हासिल की होती तो जरूर उन्हें पहले पेज पर लगाया जाता। इस गैर बराबरी को देखने के बाद चक दे इंडिया का जन्म हुआ। इस फिल्म के लिखे जाने की प्रक्रिया पंटी और बबली जो की 2005 में आई थी की शूटिंग के दौरान हुई। तब फिल्म के राइटिंग सेशन खत्म हुए थे। यशराज फिल्म्स की रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन स्टारर इस फिल्म को भी जयदीप साहनी ने ही लिखा था। वह प्रोड्यूसर आदि चोपड़ा के साथ बैठे थे कि आदि ने पूछा कि तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो। तब जयदीप ने बताया कि कई वर्षों से उनके दिमाग में एक कहानी है, इसमें लड़कियों की एक हॉकी टीम होती है, उनके कोच होते हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ होता है और कैसे बिना मोटिवेशन के खेलते खेलते उन्हें प्रेरणा मिलती है और वे एक के बाद एक मैच जीतती जाती हैं। जयदीप ने आधे एक घंटे में इस कहानी को सुनाया। उन्होंने कहा कि ये कहानी हर किसी को जाननी चाहिए। आदि ने अंत में कहा कि चलो इसे करते हैं। उन्होंने भी कहा कि ये फिल्म बनानी ही चाहिए। इसके बाद जयदीप ने रिसर्च करनी शुरू की, हॉकी कैंप्स में गए, स्टेडियम में गए, टीमों के साथ रुके। इसी दौरान हॉकी कोच का किरदार कबीर खान लिखा गया। फिल्म में शाहरुख खान ने इसे निभाया था। कबीर पर पाकिस्तान के खिलाफ जानबूझकर भारत को हरवाने के आरोप लगते हैं और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। बहुत बरस बाद उसे लड़कियों की हॉकी टीम का कोच बनाया जाता है और वो उन्हें विनिंग टीम बनाता है। फिल्म में कबीर पर जो झूठे आरोप लगे, कुछ वैसा ही असल हॉकी प्लेयर की मीर रंजन नेगी के साथ भी 1982 में एशियाई खेल में हुआ था। इसी फिल्म में वे सलाहकार भी थे और छोटे से रोल में खुद नजर भी आए थे। हालांकि वे और जयदीप दोनों ही इनसे इनकार करते हैं कि फिल्म में कोच का कैरेक्टर उन पर बेस्ड नहीं है। चक दे इंडिया से पहले डायरेक्टर सीमित अमीन ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म अब तक 56 बनाई थी, जिसमें नाना पाटेकर ने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का रोल किया था। इस फिल्म में सीमित का ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर आद को रह गया था। ऐसे में जब चक दे इंडिया के लिए डायरेक्टर ढूंढने की बात आई तो आदि ने जयदीप से कहा कि इससे तो अब तक 56 वाले ही बनवाना ठीक रहेगा। फिर सीमित फाइनल हुए। जयदीप साहनी सीमित को पहले से जानते थे और उनके दोस्त थे। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में फिल्म का वर्ल्ड कप फाइनल मैच शूट किया जाना था। डायरेक्टर सीमित चाहते थे कि स्टेडियम पूरा भरा हुआ दिखे और दर्शकों की बड़ी संख्या चेयर पर लगी हो। ये शूट लगातार 5 रातों तक चला। अब दिक्कत ये थी कि स्टेडियम भरने के लिए लोग नहीं थे। ऐसे में शाहरुख ने कहा कि स्टेडियम भरने के लिए वे उनके स्टारडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिल्म की टीम ने सिडनी में प्रचार कर दिया। शाहरुख खान वहां ओलंपिक हॉकी स्टेडियम में आने वाले हैं। लोग बड़ी संख्या में उन्हें देखने आए और लगातार 5 रात आए हैं। वे शाहरुख को देखने के लिए वहां 8-8 घंटे बैठे रहते थे। शाहरुख भी मैच के बीच में स्टेडियम में दर्शकों के आगे चक्कर लगाते थे, दर्शकों को वेव करते थे। जब उनके दर्शकों की शूटिंग भी नहीं हो रही होती थी तब भी वे ऐसा करते थे। वर्ष 2008 में इस्लाम डाक मिलोनियर जैसी आजकल विनिंग फिल्म से डेब्यू करने वाली प्रीडा पिंटू ने भी चक दे इंडिया में एक हॉकी प्लेयर रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिल्म के अंत में भारतीय महिला हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है, लेकिन जब जयदीप साहनी उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो एकदम आखिर तक उन्होंने नहीं तय किया था कि उनकी कहानी में क्या भारतीय लड़कियां जीतेंगे या नहीं। उन्हें सोच नहीं रहा था कि वह जीतने हारने के बजाय कहानी को आगे बढ़ाते गए और एक ऐसा करते करते कहानी अंत में पहुंच जाती है जहां शूट आउट से फैसला होता है। रिलीज से पहले मेकर्स ने एक वीडियो बनाया था जिसमें फिल्म की हॉकी टीम वाली लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें शाहरुख का कैरेक्टर ट्रेनिंग देता है। इन वीडियो में वो गाना भी रखा गया है, एक हॉकी दुंगी में रख के। लोगों का रिएक्शन लेने के लिए इस वीडियो को मल्टीप्लेक्स वालों के यहाँ भेजा गया। साथ ही मेकर्स ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दिखाया। मल्टीप्लेक्स वालों ने भी यह वीडियो वापस भेज दिया, कहा कि थिएटर में लोग इसे देखकर वोटिंग कर रहे हैं।
और इस गाने में लड़कियों की मजाक भी उड़ा रहे हैं। पर दर्शकों का फीडबैक था कि इस गाने को चलाना बंद कर दो, नहीं तो ये फिल्म देखने कोई नहीं आएगा। जयदीप साहनी का मानना था कि लोगों ने इस वीडियो को पसंद इसलिए नहीं किया क्योंकि वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि शाहरुख खान के प्लेयर लड़कियां ऐसी कैसी हो सकती हैं। उनके मन में ग्लैमरस हीरोइंस की कल्पना थी। हालांकि कुछ महीनों बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें सब दर्शकों ने इन्हीं सब लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो डायरेक्टर जयदीप अमेरिका के LA में थे क्योंकि वहां भी इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी। उन्होंने ओपनिंग के दिन मुंबई में प्रोड्यूसर यश चोपड़ा को फोन किया। यश धीमे धीमे स्वर में कहा, बेटा कोई आया ही नहीं, यानी कि फिल्म देखने लोग नहीं आ रहे। फोन के दूसरे तरफ जयदीप चुप हो गए। यश चोपड़ा ने फिर उनसे कहा कि फिल्म को भले ही एक आदमी देखने न आए, लेकिन मुझे इस पर गर्व है कि मेरे स्टूडियो का नाम ऐसी फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि दूसरे दिन फिल्म हाउस फुल हो गई और लोगों में इसका क्रेज बढ़ता गया। बताया जाता है कि इस फिल्म की रिलीज के बाद देश में हॉकी स्टिक्स की बिक्री 30% तक बढ़ गई थी। सलमान खान को भी इस फिल्म में कबीर खान का लीड रोल ऑफर किया गया था। दरअसल जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, डायरेक्टर सुमित और राइटर जयदीप के बीच चर्चा होती चल रही थी और उनके जोहन में हॉकी कोच के रोल के लिए शाहरुख खान ही थे। लेकिन पहला ड्राफ्ट लिखने के बाद जब शाहरुख खान को अप्रोच किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास डेट्स नहीं है और वो एक प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में प्रोड्यूसर आदि ने सलमान खान के साथ इस रोल को करने के लिए मीटिंग की। हालांकि आखिर में रोल सलमान खान ने नहीं किया, बाद में शाहरुख खान ने फिल्म साइन कर ली। शक्ति इंडिया एंथम को भी सोच समझकर बनाया गया था। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की अपने डायरेक्टर और कंपोजर से मांग थी कि वह एक ऐसा गाना जरूर बजाएं जो स्पोर्ट एंथम बन जाए, क्योंकि भारत में राष्ट्रगान तो है लेकिन स्पोर्ट एंथम नहीं है। बाद में ऐसा ही हुआ। चक दे इंडिया हॉकी ही क्या, भारत के बाकी खेलों में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रमुख गाना बन गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता तो विराट कोहली ने दर्शकों के सामने इसे गाया। जब 2015 में वर्ल्ड कप में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया तो दर्शक चक दे इंडिया के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा क्रिकेट और बाकी मैचों में अनिवार्य रूप से बजता रहा है। बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म चक दे इंडिया को 13 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है। इस खास मौके पर फिल्म के राइटर जयदीप साहनी ने खास बात कही है। उन्होंने सिनेमा और समाज में फिल्म के प्रभाव के बारे में बताया है। यशराज फिल्म्स के साथ जयदीप साहनी के 15 साल के क्रिएटियल कोलेब्रेशन ने उन्हें बंटी और बबली, रॉकेट सिंह द सेल्समैन ऑफ द ईयर, शुद्ध देसी रोमांस, आजा नचले और शाहरुख खान की चक दे इंडिया जैसे कुछ शानदार हिट्स लिखने का मौका दिया है। इसके 15 साल पूरे होने पर जयदीप कहते हैं कि निर्देशक समित अमीन और उन्हें आदित्य चोपड़ा की तरफ से क्रिएटिव आजादी मिली थी। ये इंडस्ट्री की बेस्ट फिल्मों में से एक है। जयदीप ने कहा कि मैं कुछ सालों से इस कहानी को बताना चाहता था, इसलिए जब बंटी और बबली के बाद आदि ने मुझसे पूछा कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस फिल्म को करना चाहता हूँ जो कि किसी तरह के महिला एथलीट की दुनिया और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक क्रिज बना सके। जैसा कि मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया, उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यह एक शर्म की बात है कि दुनिया के बारे में पर्याप्त लोग नहीं जानते, और यह भी कि अगर हम चीजों को सही पाते तो यह वास्तव में एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। जयदीप ने अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। निर्देशक समित अमीन की तरह जिन्होंने एक दूरदर्शी निर्देशक के रूप में सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस जोड़ी को आदित्य द्वारा कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ये चाहते थे कि उनकी अलग आवाज और विजन चमक जाए। जयदीप जो कि सुमित को पसंद करते थे एक पूर्ण बाहरी व्यक्ति हैं और दोनों के प्रतिभाशाली होने के कारण आदित्य ने उन्हें आगे बढ़ाया। जयदीप ने कहा, सुमित और मैं उस वक्त से दोस्त हैं जब मैं कंपनी लिख रहा था और वो राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में भूत की एडिटिंग कर रहा था। अब तक 56 देखने के बाद आदि को विश्वास था कि उन्हें इस फिल्म के लिए निर्देशक बनना चाहिए। निर्माता और निर्देशक के रूप में फिल्म में आदि और सुमित का शुरुआती दौर में विश्वास मेरे लिए बहुत अस्वस्थ करने लगा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा लेखन उन लोगों के हाथों में जा रहा है जिन पर मुझे भरोसा और सम्मान है।
इस प्रकार जयदीप को लगता है कि उन्हें हमेशा BRF में एक मुफ्त हाथ दिया गया है। यही कारण है कि उन्होंने ऐसी विविध फिल्में लिखी हैं। वह कहते हैं, मेरी स्क्रिप्ट में से 5 एक दूसरे से बिल्कुल अलग YRF द्वारा निर्मित की गई हैं। इन्हें 4 अलग अलग निर्देशकों द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित और चलाए जा रहे स्टूडियो के बारे में कुछ अलग है, जिसे सतही रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता, लेकिन काम करने वाले फिल्म निर्माता समझ और सराहना करेंगे। जयदीप खुश है कि चकदे इंडिया भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर बन गया। उन्होंने कहा कि कभी कभी लोग चकदे इंडिया कहते हैं अपने समय से आगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे जज करना है। या सिर्फ इतना है कि दर्शकों के रूप में हम अपने दैनिक जीवन में बहुत व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि अगर हम इसे मौका देते तो कुछ नया कैसे खुश कर सकता है। और कहानीकारों के रूप में हम हमेशा मनोरंजक होने के लिए दबाव में रहते हैं, जो हमारी विषयों की पसंद पर एक आर्टिफिशियल सीलिंग लगा सकता है। लेकिन विषय हमेशा कहानीकारों से बड़े होते हैं और अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो वे धीरे धीरे हमें रास्ता दिखाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जयदीप को फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल हो गए थे। उन्होंने राम गोपाल वर्मा के लिए 2000 में जंगल मूवी के लिए एक लेखक के रूप में शुरुआत की थी। उन्होंने बंटी और बबली के साथ 2005 में YRF के साथ कोलैबोरेट किया और तब से आदि के साथ मिलकर काम किया। वह कहते हैं कि मेरी पहली फिल्म के सेट पर किसी ने मुझे 2 महीने तक हर दिन देखने के बाद मुझे DDP ऑपरेटर के लिए कला समझा, क्योंकि मैं कंप्यूटर पर काम करता था। गवाही के लिए पटकथा लेखन उस भूले हुए कोने से आया जो आज सभी के ध्यान में सबसे आगे है और हमारे लेखकों के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। जयदीप कहते हैं, विभिन्न शैलियों की कल्पना और लिखित फिल्मों के लिए अलग अलग लय और बोलियों के साथ इतने अलग अलग वातावरणों में सेट किया गया है, इसकी बहुत खुशी हुई है। इतने सारे पात्र संवाद या गीतों के वाक्यांश लोगों की रोजमर्रा की बातचीत एक हिस्सा बन गए हैं। कुछ ऐसा है जिसका मैंने लक्ष्य नहीं बनाया है, लेकिन अंत में हैरान हुए बिना आनंद लेना सीख लिया है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी चकदे इंडिया यंग डायरेक्टर समित अमीन की दूसरी फिल्म है। समित इससे पहले राम गोपाल वर्मा की कैंप की फिल्म अब तक 56 का निर्देशन कर चुके हैं। इस फिल्म की कहानी हॉकी के पूर्व राष्ट्रीय कोच मीर रंजन नेगी के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, लेकिन फर्क बस इतना है कि फिल्म की कहानी को पुरुष हॉकी टीम की बजाय महिला हॉकी टीम से जोड़ा गया है। अगर कोच मीर रंजन की बात की जाए तो बरसों से उनका सपना रहा है कि भारतीय हॉकी दुनिया में एक बार फिर उसी जगह पहुंचे जहां हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने इसे पहुंचाया था। इसके लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। उसी कहानी के आधार पर यशराज फिल्म्स ने आजादी के 60 साल पूरे होने के बाद हॉकी पर भारतीय को दोबारा चित्रित करने पर पहुंचाने उसी कहानी के आधार पर यशराज फिल्म्स ने आजादी के 60 साल पूरे होने पर भारतीय हॉकी को दोबारा शिक्षित पर पहुंचाने के मकसद से इस फिल्म को बनाने का फैसला पिछले साल किया था। इस फिल्म की कहानी भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान कबीर खान यानी शाहरुख खान की है। कबीर खान जिस दिन टीम के कप्तान बनते हैं उसी दिन फैसला करते हैं कि पूरी टीम को साथ लेकर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना है, लेकिन कबीर खान का यह सपना अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि हॉकी से जुड़े खेल संघों में राजनीति और टीम से अपने चहेते खिलाड़ियों को रखने की पदाधिकारियों की मंशा उसे बांध देती है। उसे मुसलमान होने के नाते भी उसे कई मुसलमानों का सामना करना पड़ता है और वह टीम से बाहर हो जाता है। कई साल बाद कबीर लौटता है, महिला हॉकी टीम का कोच बनकर। उसे एक अपने दोस्त से पता चलता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम में एक ऐसे कोच की तलाश है जो विपरीत परिस्थितियों और साधनों के अभाव में भी टीम में जितनी का जज्बा जगा सके। उसे अपनी मंजिल अपने ऊपर लगे दाग मिटाने का मौका मिल जाता है। सिलेक्शन कमेटी की खिलाफत के बावजूद वह महिला हॉकी टीम का कोच बनता है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए उसे टीम की एक जगह लड़कियों का एक दल मिलता है जिनमें अपने लिए और अपने राज्य के लिए खेलने की भावना ज्यादा है। कबीर खान उन्हें देश के लिए खेलने के लिए तैयार करते हैं और वर्ल्ड कप के मुहाने पर ला खड़ा करते हैं। अब वर्ल्ड कप जीतना या ना जीतना इन लड़कियों पर है। फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी कसी हुई है कि दर्शक एक बार पर्दे पर नजर गड़ाने के बाद इधर उधर नहीं हटा पाते। अमीन ने नए कलाकारों से अच्छा अभिनय करवा लिया है और शाहरुख ने तो अपनी नई छवि में इस कदर प्रभाव छोड़ा है कि उनकी मैच्योरिटी को सालों तक याद किया गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं भी
फिल्म शहरुख के कंधों पर टिकी नजर नहीं आती। फिल्म का असली हीरो इसका सब्जेक्ट है और इस बात से निर्देशक कभी भी भटकता नहीं है। फिल्म का संगीत तो पहले ही हिट हो चुका था। शाहरुख खान की चर्चित फिल्म चक दे इंडिया, जिसने बॉलीवुड अभिनेता ने बीमन हॉकी के कोच का किरदार निभाया था। चक दे इंडिया मूवी आज के ही दिन 2007 में रिलीज हुई थी। चक दे इंडिया मूवी का टाइटल सॉन्ग क्रिकेट में भी बहुत लोकप्रिय हुआ था और ये गाना 2007 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान खूब प्रचलित हुआ था। शाहरुख खान इस मूवी में कबीर खान के किरदार की भूमिका में थे, जो भारतीय महिला टीम के कोच थे। कबीर खान ने शाहरुख खान ने ठान रखा था कि अपने ऊपर लगे गद्दार का इल्जाम हटाना है। दरअसल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पाकिस्तान के विरुद्ध फाइनल मैच हार गई थी। इसके बाद कबीर खान की फोटो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ वायरल हुई और कहा गया कि कबीर खान ने मैच फिक्सिंग किया था। कहा जाता है कि कबीर खान का यह रोल मीर सिंह नेगी से इंस्पायर था। कौन थे मीर सिंह नेगी? भारत बनाम पाकिस्तान के बीच एशियाई गेम्स हॉकी का फाइनल मुकाबला चल रहा था। मैच में सभी बड़े लोग उपस्थित थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैच को देखने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े लोग आए हुए थे। शुरुआती गोल भारत की ओर से चौथे मिनट में दागा गया, लेकिन इस गोल के बाद भारत की ओर से कोई अन्य गोल नहीं किया जा सका, जबकि पाकिस्तान ने धनाधन गोल दागे। पाकिस्तान ने भारत को उस फाइनल मुकाबले में 7-1 से मात दी। इस मैच में गोली कीपर मीरा सिंह नेगी थे। इसके बाद मीर सिंह नेगी की फोटो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ आई तो उन पर आरोप लगे कि उन्होंने प्रत्येक गोल के लिए 1,00,000 रुपए लिए हैं। मीर सिंह नेगी के इस बात सफाई में कहा गया कि वे फोट हुए एशियाई गेम्स के ओपनिंग समारोह की थी, जो किसी पत्रकार ने खींची थी। शाहरुख खान का चक दे इंडिया में कबीर खान का रोल मीर सिंह नेगी से ही इंस्पायर था। चक दे इंडिया 2007 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस मूवी के लेखक थे जयदीप साहनी, अभिनेता थे शाहरुख खान, चित्रा सिलावा, शिल्पा शुक्ला, सगरिका घाटगे। इसमें संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने। ये रिलीज हुई थी 10 अगस्त 2007 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। एक लंबे अरसे के बाद यश चोपड़ा की कोई फिल्म प्यार मोहब्बत से हटकर थी और दर्शकों को पसंद आई थी। हॉकी की पृष्ठभूमि में बनी चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने अपनी रोमांटिक छवि से हटकर एक ऐसे हॉकी कोच की भूमिका निभाई है जिसका एकमात्र लक्ष्य अपनी टीम को विश्व कप जिताना है। फिल्म हमें भारतीय हॉकी के वह सारे पहलू दिखाती है जिसके कारण वह अब रसातल में जा रही है। टीम में अनुशासन की कमी, सीनियर खिलाड़ियों का जूनियर खिलाड़ियों के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छे खेल मैदान की कमी, प्रशासकों का खिलाड़ियों की प्रति उदासीनता, खिलाड़ियों में देश और टीम के लिए खेलने की कम होती जाती भावना की वजह से हॉकी को होते हुए नुकसान को दिखाया गया है। खेलों के ऊपर बॉलीवुड में गिनती की फिल्में बनी हैं और लगान के बाद चक दे इंडिया का नाम आता है। यह फिल्म सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, यह एक कोच और उसकी टीम की उम्मीदों, जज्बातों, हिम्मत साहस और अपने सपनों की कहानी है। भारत में खेलों पर आधारित फिल्में गिनती की ही बनती हैं। चक दे इंडिया यशराज फिल्म्स द्वारा बनाई गई हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म कबीर खान नाम के एक हॉकी खिलाड़ी पर केंद्रित है। कबीर की कप्तानी में भारत के पाकिस्तान से एक हॉकी मैच हारने पर मीडिया कबीर पर फिक्सिंग का आरोप लगाती है और कबीर को हॉकी टीम से निकाल दिया जाता है। इसके कुछ साल बाद कबीर भारतीय स्त्री हॉकी टीम में कोच बनते हैं और उन्हें हॉकी विश्व कप जीतने में सहायता करते हैं। चक दे इंडिया कबीर खान की कहानी है, जो कभी भारतीय टीम का श्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड रह चुका है। पाकिस्तान के विरुद्ध एक फाइनल मैच में वह अंतिम छड़ों में पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल बनाने में चूक गया। फिल्म का संगीत संदीप सुलेमान द्वारा दिया गया है और बोल जयदाव साहनी ने दिए हैं। इसमें सॉन्ग थे चक दे इंडिया, बादल पे पाँव है, एक हॉकी दूंगी रख के, मौला मेरे ले मेरी जान, बैड बैड गिल्स हॉकी रिमिक्स और 70 मिनट। रिलीज होने पर फिल्म ने भारत में औसत उद्घाटन से नीचे दर्ज किया, जिसके कारण इसे भारत में कई हिस्सों में कम स्क्रीन मिली, जैसे कि पश्चिम बंगाल। हालांकि फिल्म को मजबूत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मिलने के कारण इसे 80% से अधिक अनुभव मिली। इसके बाद इसे बिहार राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया।
एक सप्ताह के अंदर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 220 रुपये तक की पहुंची। इस फिल्म के सिनेमा के बाहर निकलने तक यह फिल्म एक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी। घरेलू स्तर पर 1 रुपए के राजस्व के साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। सिमित का निर्देशन बेहद शानदार है। एक चुस्त पटकथा को उन्होंने बाखूबी फिल्माया है। वे हॉकी के जरिए दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जगाने में कामयाब रहे। एक सीन में मैच के पूर्व जनगणमन की धुन बजती है तो थिएटर में मौजूद दर्शक सम्मान में खड़े हो जाते हैं। फिल्म में हर मैच के दौरान सिनेमाघर में उपस्थित दर्शक अपनी टीम का हर तरह से उत्साह बढ़ाते हैं। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए आईफा पुरस्कार भी दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया था। पिछले 13 सालों में जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी या भारतीय टीम किसी भी खेल के लिए मैदान पर उतरती तो एक गाना पूरे स्टेडियम में गूंजता है और वो है चक दे इंडिया। 2007 के बाद यह गाना हर भारतीय खिलाड़ी के अंदर उसी तरह से जोश भरने लगा जैसे फिल्म के फाइनल में टीम इंडिया का भर रहा था। 2007 में बड़े पर्दे पर आई फिल्म चक दे इंडिया ने काफी धूम मचाई। इस फिल्म का एक डायलॉग पहचान बन गया। शाहरुख खान से सची यह फिल्म 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली गोल्डन जीत से प्रेरित है। इस जीत ने ही स्क्रीन राइटर जयदेव साहनी को भारतीय महिला हॉकी टीम पर कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। फिल्म को सीमती आमिर ने डायरेक्ट किया है। शाहरुख खान ने इस फिल्म में कोच कबीर खान की भूमिका निभाई है। फिल्म 15 अगस्त 2007 को फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते थे। सूरज लता देवी की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था जहां इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता था। इसी जीत से प्रेरित होकर फिल्म बनी। हालांकि फिल्म की कहानी थोड़ी अलग है। फिल्म में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता। पहले ही फिल्मी कहानी थोड़ी अलग है मगर कहानी के पीछे की भावना एक ही रही। इस फिल्म ने दिखाया कि हॉकी का चैंपियन बनना सिर्फ एक तमगा गले में पहनना भर नहीं था बल्कि लोगों की सोच को बदलने के लिए भी जरूरी था। कहानी शुरू होती है कबीर खान एंड शाहरुख खान से, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहा होता है। पाकिस्तान 10 से आगे था। भारतीय टीम के कप्तान कबीर को स्कोर बराबर करने के मौके मिले मगर वह पेनल्टी स्ट्रोक पर चूक गए। टीम की हार के बाद कबीर खान पर कई तरह की उंगली उठी और फिर उन्हें मां के साथ अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके 7 साल बाद कबीर वापस लौटते हैं और कई वर्ल्ड कप के लिए महिला टीम तैयार करते हैं। उनका सपना भारत को खिताब दिलाकर अपने ऊपर लगे दाग को धोना है। उसका सपना भारत को खिताब दिलाकर अपने ऊपर लगे दाग को धोना था। लेकिन महिला टीम खड़ी करना आसान बात नहीं थी। खैर इसके बाद कोच की भूमिका में उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया। ट में आई थी शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया, आपको जरूर याद होगी। इस फिल्म में शाहरुख खान ने कोच की भूमिका निभाई थी जिसमें वो महिला क्रिकेट टीम को हॉकी सिखाते हैं। इसके साथ ही फिल्म से महिला हॉकी टीम का एक सुनहरा सफर भी दिखाया गया है जिसमें खिलाड़ी कैसे अपने देश के लिए विश्व कप जीत कर दिखाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर 10 साल बाद क्या कर रही है चक दे इंडिया की वो गर्ल्स। नंबर 1 सागरिका घाटगे। फिल्म चक दे इंडिया में प्रीति सब्बरलाल का रोल निभाने वाली सागरिका घाटगे वैसे तो इस फिल्म के बाद कुछ खास नहीं कर पाई लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके चर्चे खूब हैं। दरअसल सागरिका ने हाल ही में मशहूर क्रिकेटर जहीर खान के साथ सगाई की है और इस साल का अंत तक शादी करने वाली हैं। चक दे इंडिया के बाद उन्होंने 2013 में मराठी फिल्म से डेब्यू किया था। वो आखिरी बार इरादा में दिखी थी। नंबर 2 विद्या मलवाड़े। चक दे इंडिया की टीम कप्तान विद्या शर्माया ने विद्या मलवाड़े इस फिल्म के बाद 1920 इविल रिटर्न्स और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा में दिखी थी। विद्या इस वक्त एक्टिंग को ब्रेक देकर योगा इंस्ट्रक्टर बन चुकी हैं। उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया था। नंबर 3 चित्रा सी रावत।
फिल्म में हरियाली की लड़की का किरदार निभाने वाले चित्रासी यानी कोमल चौटेला ने अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया था। चित्रासी ने फैशन लक ये दूरिया और टीवी शो या भाईयार में देख चुके होंगे। आजकल चित्रासी बॉक्स क्रिकेट लीग में अपनी टीम लखनऊ नवाब को प्रमोट कर रही हैं। अनायथा नायर टीम की सीनियर खिलाड़ी आलिया के तौर पर नजर आने वाली अनायथा फिल्मी दुनिया से बेहद दूर हैं। फिल्म में उनका लुक रफ एंड टफ था, लेकिन वो असल जीवन में बेहद सिंपल हैं। अनायथा नायर अब हेयर स्टाइलिस्ट बन चुकी हैं और हांगकांग में रहती हैं। अनायथा ने कुछ फिल्मों में भी काम किया, बेल्टन अब्बा, दम मारो दम। अनायथा ने अपनी बेटी का नाम भी आलिया रखा है। नंबर 5 तान्या अबरोल। चक दे इंडिया की पंजाबी कुड़ी जिसे हर बात पर गुस्सा आता है यानी बलबीर कौर, इस फिल्म में कुछ ऐसा किरदार निभाया था तान्या ने। तान्या अपने सीआईडी में भी काम तान्या को आपने सीआईडी में भी देखा होगा। चक दे इंडिया की रियूनियन की फोटो तान्या ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। नंबर 6 सीमा आजमी। इस फिल्म में हर राज्य से खिलाड़ी आए थे, उन्हीं में से एक किरदार था सुई मिका, जिन्हें फिल्म में हिंदी बोलनी नहीं आती। सीमा सो इस प्यार को क्या नाम से बेहद मशहूर हुई थी। वैसे सीमा इससे पहले वाटर और अच्छा जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। शिल्पा शुक्ला चक दे इंडिया की सबसे सीनियर प्लेयर और सबसे बड़ी गुंडी बिंदिया नायक का रोल प्ले करने वाली शिल्पा शुक्ला को बाद में बीए पास में देखा गया था। इसी साल नेटफ्लिक्स पर उनका टीवी ड्रामा द बिग फैट सिटी भी आया था। कुछ करने की जिद हो तो दुनिया की तमाम बाधाएं आपका रास्ता नहीं रोक सकती। मैरी कॉम की कहानी को स्क्रीन पर देख यह बात सच प्रतीत होती है। वह भारत के उस हिस्से की रहने वाली है जहां आजादी के वर्षों बाद भी वहां के लोगों को बताना पड़ता है कि वह भारतीय हैं। मैरी कॉम ने एक ऐसा खेल चुना जिसमें पुरुषों का दबदबा है। भारत में बॉक्सिंग में महिला खिलाड़ी ढूंढे नहीं मिलती। मैरी कॉम के परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें तमाम सुविधाएं मिल पाती। मैरी के पिता इस खेल के खिलाफ थे। भारतीय खेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार से तो सभी परिचित हैं। मैरी कॉम को भी अपने स्तर पर इससे लड़ना पड़ा था। फेडरेशन मुक्केबाजों को डाइट में एक केला और चाय देता है और मैरी अपनी पहली फाइट भूखे पेट लड़ती है। उसका कोच पूछता है कि क्या वह लड़ लगी, तो वह कहती है कि सर खुशी से ही पेट भर गया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैरी ने विश्व चैंपियन का खिताब एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार अपने नाम किया। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी मैरी के नाम से अधिकतर भारतीय परिचित नहीं है। जब मैरी कॉम के निर्देशन उमंग कुमार से किसी ने कहा कि मैरी कॉम पर फिल्म बनाई जानी चाहिए, तो उनका जवाब था ये मैरी कॉम कौन है। जब उन्होंने मैरी कॉम के बारे में पढ़ा तो उन्होंने महसूस किया कि मैरी कॉम की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हैं कि उन पर फिल्म बनाई जानी चाहिए। मैरी का संघर्ष दोहरा है। पहला तो वह तमाम बाधाओं को पार कर विश्व चैंपियन बनती हैं। इसके बाद शादी करती हैं और 2 बच्चों की माँ बनती हैं। भारत में एक क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल के कुछ मैच खेल कर ही करोड़पति बन जाता है, लेकिन मैरी कॉम 3 बार विश्व विजेता बनने के बावजूद परिवार के बढ़ते खर्च को लेकर चिंतित हो जाती हैं। वह नौकरी करने का फैसला करती हैं, तो सरकार उन्हें हवलदार की नौकरी देती है जिसे वो ठुकरा देती हैं। मैरी को कोई पहचानता नहीं है, जिसका उन्हें बुरा लगता है। विश्व विजेता खिलाड़ी को फेडरेशन का अदना अफसर ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार करवाता है। मैरी कॉम की वापसी को लेकर रुकावटें खड़ी की जाती है, उनसे माफीनामा मांगा जाता है। एक चैंपियन खिलाड़ी के लिए यह सब अपमानजनक है, लेकिन खेल के प्रति प्रेम के चलते मैरी कॉम यह सब सहन करती है और फिर बॉक्सिंग रिंग में उतरती है। खिलाड़ी के साथ हमारे यहाँ इस तरह का व्यवहार आम बात है, सभी जानते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर यह नजारा देखते हैं तो बहुत दुख पहुँचता है। मैरी रिंग में उतर कर फिर विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम करती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया गया है कि जब मैरी कॉम विश्व कप फाइनल का मैच देख रही होती है, तब उनके बच्चे के दिल का ऑपरेशन चल रहा होता है। पता नहीं यह हकीकत है या फसाना, लेकिन अगर सच है तो यह कमाल की बात है कितने बड़े दर्द को लेकर मैच खेलती है और जीतती है। ये सारे प्रसंग दर्शक को बांध कर रखते हैं और मैरी कॉम के हर इमोशन को महसूस किया जा सकता है। फिल्म में कई दृश्य लाजवाब हैं।
मैरी जब बॉक्सिंग सीखने के लिए प्रशिक्षक के पास जाती है तो वह पूछता है कि 5 कारण बताओ कि तुम बॉक्सिंग क्यों सीखना चाहती हो। वह 4 बार आई लव बॉक्सिंग कहते हुए पूछती है, 5वां कारण भी बताना जरूरी है क्या? एक लड़के से बॉक्सिंग का मुकाबला करने के बाद मैरी काम को पूछा जाता है कि क्या उसे डर नहीं लगा। जवाब मिला कि डर क्या होता है। रात को सुनसान सड़क पर अपने बॉयफ्रेंड को मैरी कहती है, डरो मत, मेरे साथ तुम सेफ हो। बायोपिक को स्क्रीन पर पेश करना आसान नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म के बीच के अंतर को ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही भारतीय दर्शकों की मानसिकता के अनुरूप काम करना होता है। आधी हकीकत और आधा फसाना का संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। निर्देशक उमंग कुमार के सामने चक दे इंडिया और भाग मिल्खा भाग जैसे उदाहरण सामने हैं और उनके प्रस्तुतिकरण में इन फिल्मों की छाप नजर आती है। उमंग कुमार के पास इतनी बढ़िया कहानी थी कि वह इसे बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते थे, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण कहानी के अनुरूप नहीं है। मैरी काम को उन्होंने कहीं कहीं बॉलीवुड हीरो की तरह पेश किया है। फिल्म ज्यादा लोगों को पसंद आए इसलिए लुभावना प्रस्तुतिकरण वाला रास्ता उन्होंने अपनाया है। इसके बावजूद फिल्म दर्शकों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि मैरी का संघर्ष सीधे दिल को छूता है। मैरी के दुख में आप उनके साथ रोते हैं और उनकी खुशी में भी शामिल होते हैं। हीरोइनों में प्रियंका चोपड़ा ही मैरी काम के रोल निभा सकती थी। फिल्म शुरू होने के चंद सेकंड बाद ही आप भूल जाते हैं कि यह प्रियंका है और उसे मैरी के रूप में ही देखने लग जाते हैं। कम मेकअप कर प्रियंका ने अपने और मैरी काम के बीच के अंतर को बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग ली और यह बात स्क्रीन पर नजर आती है। उन्होंने मैरी की तरह बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। एक चैंपियन खिलाड़ी की आक्रमकता, हालातों से लड़ने की जिद और कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनके अभिनय में नजर आती है। प्रशिक्षक के रूप में सुनील थापा और मैरी काम के पति के रूप में दर्शन कुमार का अभिनय भी उम्दा है। बॉक्सिंग मैचों के दृश्यों को अच्छे से फिल्माया गया है। संपादन थोड़ा ढीला है, गाने फिल्म के मूड के अनुरूप हैं और एकाध कम भी होता तो चलता। आइए जानते हैं मैरी काम की असली जिंदगी के बारे में। मैरी काम का पूरा नाम मंगते चुगने जंग मैरी काम है। मैरी काम का जन्म 1 मार्च 1983 में कंगथेई मणिपुरी भारत में हुआ था। इनके पिता एक गरीब किसान थे। ये 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। कम उम्र से ही मैरी बहुत मेहनती रही हैं। अपने माता पिता की मदद करने के लिए वह उनके साथ काम करती थी, साथ ही वह अपने भाई बहनों की देखभाल करती थी। मैरी ने इन सब के बाद भी पढ़ाई की और इसकी शुरुआत लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से की, जहां वह 6th तक पढ़ी थी। इसके बाद संत जेवियर कैथोलिक स्कूल चली गई, जहां से इन्होंने कक्षा 8वीं तक की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई 9th एंड 10th के लिए वह आदमीजात हाई स्कूल चली गई, किंतु वह परीक्षा में पास नहीं हो पाई। स्कूल की पढ़ाई मैरी ने बीच में ही छोड़ दी और आगे इन्होंने NIOS की परीक्षा दी। इसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन चुराचांदपुर कॉलेज इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, से किया। मैरी को बचपन से ही एथलीट बनने का शौक रहा है। स्कूल के समय में वह फुटबॉल जैसे खेलों में हिस्सा लेती थी, लेकिन मजाक की बात यह है कि उन्होंने बॉक्सिंग में कभी भी भाग नहीं लिया था। सन 1998 में बॉक्सर डिंको सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। वह मणिपुर के थे। उनकी इस जीत से उनकी पूरी मातृभूमि झूम उठी थी। यह मैरी ने बॉक्सिंग करते हुए डिंको को देखा था और इसे अपना करियर बनाने की ठान ली। इसके बाद उनके सामने पहली चुनौती थी अपने घर वालों को इसके लिए राजी करना। छोटी जगह के साधारण से लोग बॉक्सिंग को पुरुषों का खेल समझते थे और उन्हें लगता था कि इस तरह के गेम में बहुत ताकत मेहनत लगती है, जो इस कम उम्र की लड़की के लिए ठीक नहीं है। मैरी ने मन में ठान लिया था कि वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैरी ने अपने माँ बाप को बिना बताए इसके लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक बार इन्होंने मुखाम लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को लड़कों से बॉक्सिंग करते देखा, जिसे देख वे स्तब्ध रह गई। यहाँ से उनके मन में उनके सपने को लेकर विचार और परिपक्व हो गए। वह अपने गांव से इम्फाल गई और मणिपुर राज्य के बॉक्सिंग कोच एम नरजीत सिंह से मिली और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए निवेदित किया। वह इस खेल के प्रति बहुत भावुक थी, साथ में एक जल्दी सीखने वाली विद्यार्थी थी। ट्रेनिंग सेंटर से जब सब चले जाते थे, तब भी वह देर रात तक प्रैक्टिस करती रहती थी।
बॉक्सिंग शुरू करने के बाद मैरी को पता था कि उनका परिवार उनके बॉक्सिंग में करियर बनाने के विचार को कभी नहीं मानेगा, जिस वजह से उन्होंने इस बात को अपने परिवार से छुपा कर रखा। 1998 से 2000 तक वे अपने घर में बिना बताए इसकी ट्रेनिंग लेती रहीं। सन 2000 में जब मैरी ने वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मणिपुर से जीत हासिल की और उन्हें बॉक्सर का अवार्ड मिला तो वहाँ के हर एक समाचार पत्र में उनकी जीत की बात छपी। तब उनके परिवार को भी उनके बॉक्सर होने का पता चला। इस जीत के बाद उनके घर वालों ने भी उनकी इस जीत को सेलिब्रेट किया। इसके बाद मैरी ने पश्चिम बंगाल में आयोजित वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, अपने राज का नाम ऊंचा किया। सन 2001 में मैरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना करियर शुरू किया। इस समय उनकी उम्र 18 साल मात्र थी। सबसे पहले इन्होंने अमेरिका में आयोजित AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 48 kg वेट कैटेगरी में हिस्सा लिया और यहाँ सिल्वर मेडल जीता। सन 2002 में तुर्की में आयोजित AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 45 kg वेट कैटेगरी में मैरी विजय रही और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस साल मैरी ने हंगरी में आयोजित विश्व कप में 45 वेट कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल जीता था। सन 2003 में भारत में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 46 kg वेट कैटेगरी में मैरी ने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद नार्वे में आयोजित वीमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में एक बार फिर मैरी को गोल्ड मेडल मिला। सन 2005 में ताइवान में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 46 kg वेट क्लास में मैरी को फिर से गोल्ड मेडल मिला। इसी साल रशिया में मैरी ने AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीती। सन 2006 में डेनमार्क में आयोजित वीनस वीमेन बॉक्स कप, भारत में आयोजित AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी ने जीत हासिल कर गोल्ड मेडल जीता था। एक साल का ब्रेक लेकर मैरी 2008 में फिर वापस आई और भारत में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप चाइना में गोल्ड मेडल जीता था। सन 2002 में वियतनाम में आयोजित एशियन इंडोर गेम्स में मैरी ने गोल्ड जीता था। सन 2010 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी ने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही मैरी ने लगातार 5वीं बार AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसी साल मैरी ने एशियन गेम्स में 41 kg वेट क्लास में हिस्सा लेकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन हुआ था। यहाँ ओपनिंग सेरेमनी में विजेंदर सिंह के साथ मैरी कॉम भी उपस्थित थी। इस गेम्स में वीमेन बॉक्सिंग गेम का आयोजन नहीं था, जिस वजह से मैरी यहाँ अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकी। सन 2011 में चाइना में आयोजित एशियन वीमेन कप 48 kg वेट क्लास में गोल्ड मेडल जीता। सन 2012 में मंगोलिया में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 41 kg वेट क्लास में गोल्ड मेडल जीता। इस साल लंदन में आयोजित ओलंपिक में मैरी कॉम को बहुत सम्मान मिला। वह पहली महिला बॉक्सर थी जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हुई थी। यहाँ मैरी को 51 kg वेट क्लास में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इसके साथ मैरी तीसरी भारतीय महिला थी जिन्हें ओलंपिक में मेडल मिला था। सन 2014 में साउथ कोरिया में आयोजित एशियन गेम्स में वीमेन फ्लाईवेट 48-52 kg में मैरी ने गोल्ड मेडल जीता था और इतिहास रच दिया था। मैरी की मुलाकात सन 2001 में ओलनर से दिल्ली में हुई थी, जब वे पंजाब में नेशनल गेम्स के लिए जा रही थी। उस समय ओलनर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। 4 साल तक दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता रहा, जिसके बाद सन 2005 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 3 लड़के हैं, जिसमें से 2 जुड़वा बेटे का जन्म 2007 में हुआ था एवं एक और बेटे का जन्म 2013 में हुआ था। सन 2007 में खेल के सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया था। सन 2007 में लिम्का बुक रिकॉर्ड द्वारा पीपल ऑफ द ईयर का सम्मान मिला था। सन 2008 में CNN, IBM एवं रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा रियल हॉर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 2008 पेप्सी MTV यूथ आइकन, सन 2008 में AIBA द्वारा मैग्निफिसेंट मैरी अवार्ड दिया गया था। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया था। सन 2010 में सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड द्वारा स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया गया था। सन 2013 में देश के तीसरे बड़े सम्मान पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। मैरी कॉम के जीवन पर आधारित फिल्म मैरी कॉम को उमंग कुमार ने बनाया था, जिसे 5 सितंबर 2014 में रिलीज किया गया था।
फिल्म में मुख्य भूमिका में प्रियंका चोपड़ा थी, जिसमें उनकी अदाकारी देखने लायक थी। मैरी काम एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे अपनी पहचान बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खेल जगत पर बनी एक और फिल्म का नाम है मैरी काम। मैरी काम भारतीय मुक्केबाज मैरी काम पर के जीवन पर आधारित फिल्म है। इससे पहले हॉकी पर बनी फिल्म चक दे इंडिया ने बॉलीवुड जगत में बहुत सफलता पाई थी। मैरी काम एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खुद की पहचान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिल्म की स्टोरी मैरी काम यानी प्रियंका चोपड़ा से शुरू होती है। मैरी काम बॉक्सिंग मैच में भाग लेना चाहती है, लेकिन उसके पिता इसके इस फैसले का जोरदार विरोध करते हैं। मैरी काम को बॉक्सिंग और पिता में से किसी एक को चुनना होता है। मैरी काम बॉक्सिंग को चुनती है। मैरी काम खेल में अपने परिवार की खस्ता हालत को सुधारने के लिए भाग लेना चाहती है। वह अपने कोच सुनील थापा के अंडर में खूब पसीना बहाती है। जल्द उसे इस खेल में सफलता मिलती है और उसका परिवार उस पर गर्व करता है। इसके बाद मैरी काम अपने दोस्त के साथ शादी करने का फैसला करती है। मैरी काम के इस फैसले का उसके कोच विरोध करते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने अब तक के फिल्मी करियर में मैरी काम को सबसे ज्यादा प्रमोट किया था। प्रियंका ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हार्ट केक बनाने की कमान अपने कंधों पर संभाली थी। रिलीज से पहले दिन एक क्लास सेंटरों में फिल्म को मिली करीब 60% की बेहतरीन ओपनिंग का क्रेडिट अकेली प्रियंका चोपड़ा को ही जाता है। दरअसल प्रियंका का ऐसा करना दर्शकों में फिल्म का क्रेज बढ़ाने के लिए जरूरी था। यकीनन यह प्रियंका का असर था कि रिलीज से पहले ही 3 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में फिल्म टैक्स फ्री हो गई थी। टैक्स फ्री का सीधा फायदा फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को प्रभावित की थी। करीब 2 घंटे की इस फिल्म को देखने के बाद आप प्रियंका चोपड़ा की तारीफ करेंगे, जिन्होंने जबरदस्त मेहनत करके मैरी काम के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर जीवंत कर दिया। यह किरदार प्रियंका को नेशनल अवार्ड का सबसे मजबूत दावेदार बना सकता है। यह मणिपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली मैरी काम की कहानी है, जिसने अपने दमखम पर कम वक्त में ऐसा मुकाम हासिल कर दिखाया जहां पहुंचने का जज्बा लाखों में से किसी एक का होता है। मैरी काम के किरदार के लिए प्रियंका चोपड़ा ने ठीक उसी तरह से मेहनत की जैसे कि भाग मिल्खा भाग में अपने किरदार के लिए फरहान अख्तर ने की थी। फिल्म के लगभग सभी बॉक्सिंग सीन को प्रियंका ने बिना डुप्लीकेट के खुद अंजाम दिया था। बॉक्सिंग रिंग में एक ऐसे ही सीन की शूटिंग के दौरान प्रियंका की आंख के नीचे जोर का पंच लगा, लेकिन मैरी के किरदार में खुद को रंग चुकी प्रियंका ने शॉट कंप्लीट किया। मुक्केबाजी में 5 बार विश्व विजेता रही मैरी काम पर आधारित इस फिल्म की शुरुआत इम्फाल से होती है, जहां नागा विद्रोह और आर्म फोर्स आमने सामने है। पूरा शहर दंगों की चपेट में है, शहर में कर्फ्यू लगा है। इसी माहौल में मैरी काम का पति आनलर यानी दर्शन कुमार उसे डिलीवरी देने के लिए शहर के अस्पताल लेकर जा रहा है। इसी माहौल में मैरी काम का पति आनलर दर्शन कुमार उसे डिलीवरी के लिए शहर के अस्पताल लेकर जा रहा है। फिर फ्लैशबैक का सहारा लेकर दिखाया जाता है कि मैरी के स्कूली दिनों से लेकर उनके बॉक्सर कोच मिस्टर सिंह यानी सुनील थापा की अकेडमी तक गुसल मैरी का पहुँचना। किसान को हरगिज गवारा नहीं कि उसकी बड़ी बेटी बॉक्सर बने। पिता के विरोध के बावजूद मैरी का जोश कम नहीं होता। सुबह 5 बजे उठकर गांव से दूर एकेडमी पहुंचकर बॉक्सिंग सीखने के मैरी के जुनून पर टिकी मैरी काम एक नामुमकिन सपने को साकार करने की कहानी है। यकीनन यह फिल्म प्रियंका की है। मैरी काम के किरदार में प्रियंका ने जान डाली है। पूरी फिल्म प्रियंका के कंधों पर टिकी है। उनकी तारीफ करनी होगी कि स्कूली लड़की के किरदार से लेकर 2 बच्चों की बॉक्सर माँ के किरदार को प्रियंका ने जीवंत कर दिखाया है। वार्ड से आर रास फैशन बर्फी के बाद प्रियंका ने एक बार फिर साबित किया कि किरदार की डिमांड हो तो वह कहीं नहीं जा सकती। फिल्म के कुछ सीन के लिए गंजा होना, बॉक्सिंग के सीन में कहीं भी डुप्लीकेट को न लेना, इस फिल्म की कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रियंका को नंबर 1 बनाती हैं। बॉक्सिंग कोच सिंह के किरदार में नेपाली एक्टर सुनील थापा खूब जमे हैं। सुनील की डार्लिंग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल गजब की है। बेशक प्रियंका के पति के किरदार में दर्शन कुमार के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दर्शन ने कम फुटेज के बावजूद अपनी पहचान दर्ज कराई है। भंसाली कैंप के ब्लैक और सांवरिया के आर्ट डायरेक्टर रहे उमंग कुमार ने बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ मसालों का मुंह छोड़कर स्क्रिप्ट के साथ पूरा न्याय किया है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद धीमी है। फ्लैशबैक का बार बार इस्तेमाल दर्शकों को अखरता है। वही फिल्म के कुछ दूसरे अहम किरदारों पर अमर उमंग को ज्यादा तवज्जो देते तो फिल्म और जोरदार बन पाती। कहानी की डिमांड पर फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पूर्वोत्तर की आउटडोर लोकेशन पर करके उन्होंने फिल्म को वास्तविकता के और ज्यादा नजदीक ला दिया।
स्क्रिप्ट की डिमांड पर फिल्म के कुछ गाने तो हैं, जिद्दी है दिल का अभिमान कर बेहतरीन है। प्रियंका का फिल्म के परिसमर्पण, एक किरदार को जीवंत बनाने का प्रियंका का गजब जज्बा, जिसे पर्दे पर देखने के बाद आप यकीनन प्रियंका के पक्के फैन हो जाएंगे। अगर अच्छी और लीक से हटकर बनी फिल्मों के शौकीन हैं, तो मेरी काम आप जरूर देखिए। खबरों की बाढ़ के इस दौर में कई बार खबरें देर से ही पहुंचती हैं। 5 बार की विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियन मेरी काम को अधिकांश लोगों ने तब जाना जब उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि मेरी मणिपुर से है और बहुत सारे लोग भारत के नक्शे में मणिपुर की स्थित भी नहीं जानते। यही मेरी निर्देशक उमंग कुमार की पहली फिल्म के केंद्र में है, आज के युवाओं के आदर्शों में एक। देश के सुदूर कोने में चावल उगाने वाले एक किसान की बेटी के संघर्ष की कहानी आज अखबारों, पत्रिकाओं और टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन बड़े पर्दे पर किसी भी कहानी को देखने का रोमांच अलग है। यही कारण था कि अक्सर जानी सुनी बातें देखने को भी लोग सिनेमा घर में पहुंचते हैं। उमंग ने मैरी के बॉक्सर बनने का संघर्ष दिखाने के साथ उनके निजी जीवन की घटनाओं को फिल्म में उतारा है, साथ ही एक खिलाड़ी की निराश से उपजे गुस्से को भी उन्होंने दिखाया है। जब मैरी को विवाह के बाद गर्भवती होने पर रिंग से बाहर होना पड़ता है। प्रियंका चोपड़ा भले ही मैरी की तरह ना दिखती हूँ, लेकिन मैरी के स्वभाव, हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को उन्होंने खूबसूरती से जिया है। उनकी मेहनत साफ दिखाई देती है। फिल्म मैरी के बचपन से शुरू होकर उनके विश्व चैंपियन बनने तक आपको बांधे रखती है। यह हिस्सा मैरी के सपनों के सच होने की दास्तां है, जिसने आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसके बाद निर्देशक भटक गए हैं। फिल्म बिल्कुल ढीली और लचर हो जाती है। यहाँ स्क्रिप्ट और दर्शन की कमियां सामने दिखने लगती हैं। डॉक्यूमेंट्री और सिनेमाई ड्रामा अजीब ढंग से मिक्स हो जाता है। मैरी के पति की भूमिका में दर्शन कुमार और कोच के रोल में नेपाली एक्टर सुनील थापा जमे हैं। आम दर्शक मैरी को ओलंपिक विजेता के रूप में जानता है, लेकिन निर्देशक उनकी चौथी बार चैंपियन बनने के साथ फिल्म का अंत करते हैं, जहां स्टेडियम में राष्ट्रगीत की धुन बजती है और पर्दे पर निवेदित उभरता है कि उसके सम्मान में सीट में खड़े हो जाएं। फिल्म का अंत यहां हो जाता है। फिल्म अधूरी सी लगती है। मैरी की जिंदगी की डिटेल यहां गायब है। संजय लीला भंसाली अक्सर लंबी फिल्में बनाते हैं, लेकिन यहां क्रिएटिव डायरेक्टर होने के बावजूद उन्होंने फिल्म को छोटा रखा है। क्या यह माना जाए कि निर्देशकों पर बाजार का दबाव हावी है, जिसे लंबी होने पर फिल्म को उबाऊ मान लिया जाने का खतरा पैदा हो जाता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा बहुत निराश करता है। जिन्होंने भाग मिल्खा भाग देखी है, वे इस फिल्म को उससे कम तर पाएंगे। अगर आप मैरी की जिंदगी के 20 साल को 2 घंटे में देखना चाहते हैं, तो आप मैरी काम फिल्म को जरूर देखें। बॉलीवुड में उस समय खिलाड़ियों पर फिल्म बनाने का जैसे नया ट्रेंड ही चल पड़ा था। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने मिल्खा सिंह पर भाग मिल्खा भाग के बाद अब संजय लीला भंसाली ने मैरी काम पर प्रियंका चोपड़ा को लेकर मैरी काम